गगन साहिल और कर्ण अगर आपको वॉइस ठीक आ रही है सब कुछ ठीक है आप इस पे कमेंट करें गुड मॉर्निंग लिख दें आप ज्वाइन करना जाए साहिल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो ठीक है जी शुरू हो करें आज कल हम इकोनॉमिक्स शुरू की थी तो किसी वजह से हमारा जो बारिश की वजह से लेक्चर जो है बीच में ही खत्म था तो आज हम इसको आगे शुरू करेंगे बेसिकली हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है हमने डिस्कस कर लिया है नेशनल इनकम नेशनल इनकम के बारे में हमें पता लग गया कि ये नेशनल इनकम है ये हमारा स्टार्ट हो चुका है इकोनॉमिक्स और आज डेट कितनी होगी टू है डे फ्राइडे फ्राइडे इकोनॉमिक्स ये आज मान के चलिए कि ये कल थोड़ा सा ही लेक्चर हुआ था आज हम इसको शुरू करेंगे नेशनल इनकम फिर नेशनल इनकम के बाद आज ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने का मतलब क्या है ये पढ़ इसलिए पढ़े जाते हैं या समझे जाते हैं क्योंकि तो जब आप मान लीजिए बजट ही स्टडी करो कि बजट क्या है तो बजट में कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी अगर हमें टर्मिनोलॉजीज का की समझ नहीं है तो हम बजट को स्टडी नहीं कर सकते दैट मीन्स हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उनको अच्छे से समझना है सो दैट की हम इसको एप्लीकेबल कर सकें इसको अप्लाई कर सकते तो जैसे नेशनल इनकम किया हमने नेशनल इनकम के बाद सेकंड था पर कैपिटा इनकम सेकेंड है पर कैपिटा इनकम अब नेशनल इनकम को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो ये पर कैपिटा इनकम आ जाती है नेशनल इनकम लिखा हमने और इसको डिवाइड कर दिया इस पॉपुलेशन के साथ ठीक है ये ये हो गया तो इसके बाद हमने फिर कि इनकम में हम क्या करते हैं कंजम्पशन है कंजम्पशन और दूसरी चीज आ जाती है इसमें सेविंग तो थर्ड इनकम को दो पार्ट्स में आप कर लोगे कंजम्पशन प्लस सेविंग इसमें भी हम फर्दर कंजम्पशन से रिलेटेड जिसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रोपेंसिटी मींस प्रवृत्ति कि आपकी खर्च करने में क्या प्रवृत्ति है एवरेज दिस इज इक्वल टू जितनी कंजम्पन हुई है डिवाइडेड बाय जितनी इनकम थी इसके अलावा एक और वर्ड यूज होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये है कि जब इनकम चेंज होती है चेंज इन इनकम तो उसमें हमारी कंजम्पशन भी चेंज हो जाती है चेंज इन कंजम्पशन तो वो उसे कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजन तो इससे हमें क्या पता लगता है इससे यह पता लगता है कि अगर हम कंट्री के लेवल पर बात कर रहे हैं कि अगर इनकम तो इनक्रीज हो जाएगी अगर मान लीजिए इनकम तो डबल हो गई है पर कंजम्पशन जो है वो डेढ़ गुना ही हुई है 1.5 टाइम्स तो उसका मतलब सेविंग इनक्रीज हो जाएगी पर किसी कंट्री की प्रवृत्ति दूसरी हो सकती है कि जैसी इनकम इंक्रीज हुई है कंजम्पशन दो से भी ज्यादा कर दी है सेविंग कम हो गई है उस प्रपोर्शन में नहीं हो रही तो ये अलग अलग इंडिविजुअल प्रवृत्ति है प्रोपेंसिटी है ठीक इसी तरह से हम सेविंग पे हम लेंगे फोर्थ तो वो आ जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव सेव करने में तो इसमें आप जितनी सेविंग हो रही है उसमें मान लीजिए आपका ए, वन रुपीज है, उसमें आपने टू हंड्रेड सेव कर लिए तो कितने ट्वेंटी परसेंट हो गई डिवाइडेड बाय इनकम तो आपकी ट्वेंटी परसेंट प्रवृत्ति है कि आप ट्वेंटी परसेंट सेव करते हो पर जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई डबल हुई ए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये कितना हुआ तो आपने देखना है कि कितनी सेविंग में चेंजेस आए चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम इनकम में कितनी चेंजेस है ठीक है आपकी इनकम डबल हो गई है पर सेविंग डबल नहीं हुई खर्चे बढ़ गए हैं या फिर आपकी इनकम से ज, ज, हो गई है तो सेविंग पहले से भी ज्यादा हो गई है ठीक है डिपेंड करता है ना क्योंकि एक बार तो आप खर्चे कर ही चुके हो सेम टाइम पे ही आपकी अगर इनकम इंक्रीज हो जाए तो आप किस तरह से करते हो जनरली क्या है कि जैसे जैसे लोगों की जो मन है ना माइंड है डिमांड रेज करता है जो वो पैसे पे जेब पे डिपेंड करता है अगर आपकी जेब में कम पैसे हैं कम है आपकी जेब तंग है आजकल तो आप तंग में भी गुजारा कर लेते हो ठीक है तो क्या करोगे आप खाना है खाना आप वहां से खाओगे जहां से सस्ता मिल जाता है ठीक आपकी अब जेब इनकम इंक्रीज हुई है अब क्या करोगे अब आप उन प्लेसेस से जाके खाना खाना शुरू कर दोगे जहां पे आपको लगता है कि ठीक है पर थोड़ा महंगा कोई नहीं चलेगा तो आपका खर्चा भी इनक्रीज हो गया ठीक शर्ट है आपने शर्ट खरीदी ही नहीं दो महीने हो गए पर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है तो अब कहां पे आप सस्ती शर्ट के साथ चला रहे थे अब आप ब्रांडेड ले लोगे ब्रांडेड ले लोगे ठीक है जनरली ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे जिसको हम सिटीज कहते हैं मेगा सिटीज कहते हैं दिल्ली ये बेंगलोर या मद्रास मुंबई इन लोगों यहां पे जब आपको सैलरी अच्छी मिलती है पर सैलरी अच्छी मिलने के साथ साथ आपके जो कंजम्पशन है वो भी अच्छी खासी होती है छोटे सिटीज में आपको सैलरी कम मिलती है पर उसमें खर्चे भी वैसे हैं आपके ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे चले गए हो और क्या क्या आपकी जो कंजम्क्शन के सोर्सेज हैं वो कैसे कैसे हैं बिलीव राम राम सर जी ओके okay, जी आ जाओ हाँ जी आ जाओ ठीक है तो ये अब वो क्या है कौन सा फोन लेना है आईफोन लेना है आईफोन में से भी कौन सा मॉडल है वो लेंगे आप ठीक है तो इस तरह से आपकी जो कंजम्पन है उसमें ब्रांडिंग होनी शुरू हो गई ब्रांडिंग होनी शुरू से से होने से एक पॉइंट तो है कि लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है ठीक लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज उसको मेंटेन करने के लिए खर्चे भी ज्यादा करने पड़ते हैं इसलिए जो मेगा सिटीज में काम करने वाले छोटे सिटीज में नहीं आ पाते क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक तो उन्हीं सिटीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गए हैं दूसरा दूसरा अगर इनकम इनक्रीज हुई है तो क्या सेविंग डिक्रीज कर दोगे सॉरी इनकम डिक्रीज हुई है तो सेविंग ये सारी बातें आती हैं ना तो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है एक आदमी दुबई में जॉब कर रहा है तो उसको वहां पे दो साल का वीजा लगा है वर्क परमिट पे है दो साल वो कुछ चला रहा है ट्रक चला रहा है गाड़ी चला रहा है या कोई काम कर रहा है अब उसके खर्चे वहां पे जो हैं, वो दुबई के अकॉर्डिंग होंगे उसकी सेविंग्स जो वहां पे दुबई के अकॉर्डिंग होंगी ठीक है अब उसको इंडिया में बैठे सोचते हैं इंडिया में मल्टीप्लाई कर लेंगे वहां की करेंसी को इंडिया में कितने अच्छा इतने मिल रहे हैं यहाँ पे इंडिया में इस तरह से करते हैं जैसे कनाडा है अमेरिका है न्यूयॉर्क है जो सबसे महंगा सिटी है तो वहां पे सैलरी तो जी इतनी है तो वो लाखों डॉलर में सैलरी काउंट कर जाते हैं तो लाखों में अगर आप एक लाख डॉलर बना है और उसको आप एट्टी रुपीज अप्रोक्सीमेटली लगा लो करोगे तो कितने हो गए अस्सी लाख रुपए तो इंडिया वाला तो कहेगा अस्सी लाख रुपए है है ठीक पर जब वहां के अकॉर्डिंग खर्चे देखोगे फिर आपको लगेगा कि इनके खर्चे भी रहने के खाने के पीने के खाने पीने सारा कुछ अच्छे हैं ठीक है अगर मतलब वहां का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है तो आपको खर्चे भी ज्यादा करने पड़ते हैं तो इसलिए जो आपका स्टैंडर्ड है ना वो जो आपकी प्रवृत्ति है वो आपकी जेब बताती है जब आपके जेब में पैसे होते हैं तो वो उछलते हैं है उछलते हैं ना फटाफट से खर्च हो जाते हैं जब खर्च हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आराम से बैठ जाता है आदमी क्योंकि अब फिर से दोबारा से पैसे आएंगे फिर से खर्च करेंगे ठीक पर जब तक वो पैसे जेब में हैं वो उछलते रहते हैं तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति जो है ना वो सेविंग की तरफ होती है वो खर्चों को कंट्रोल कर लेते हैं मीन्स जब आपके कंजम्पशन पे अगर आप कंट्रोल करोगे तभी सेविंग की तरफ आओगे ना ठीक तो ये चीजें समझो ये कंट्री में भी ऐसे ही है आप कहीं ना कहीं आप डिपॉजिट कर दिया मतलब आरडी बना लिया आपने आरडी आपकी मंथली फाइव थाउजेंड रुपीज जा रहे हैं तो अब जबरदस्ती जा रहे हैं पांच हजार है जमा हो रहे हैं तो वो सेविंग है अगर आप पांच हजार रुपए वैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे तो वो क्या जमा होंगे आप निकाल लोगे आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ी आपने उसमें से निकाल लिया पर आपने आपकी आरडी चल रही है डिक्रेंस डिपॉजिट वो चल रही है तो आप निकाल नहीं सकते कम से कम छह महीने के लिए तो बाउंड हो ही गए हो जितने मंथ की थी वो तो सेविंग के लिए हमें जोर देना पड़ता है सेविंग के लिए ये जोर देना पड़ता है कंजम्पशन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता आपकी जेब में पैसे हैं आप मार्केट में चले जाओ आपका मन अपने आप बताएगा ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो ठीक है कुछ कई बार क्या होता है कि आप घर लेके आते हो ऐसी चीजें जो जिनकी जरूरत ही नहीं होती अननेसेसरी चीज पर, परचेज हो जाती है ओके तो इसलिए इकोनॉमिक्स से हमें पता लगता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं ओके okay. अब यहां तक हमने कल डिस्कस किया था तो आज इसके आगे की बातें करते हैं कि कौन और कौन सी टर्म्स आती हैं जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं या कोई इकोनॉमिकल जर्नल पढ़ते हैं इकोनॉमिकल न्यूज को स्टडी पढ़ते हैं उसमें एक बात आती है इन्वेस्टमेंट मैंने एक से बात की यंग था मैंने कहा जी सेविंग करनी चाहिए या क्या करनी चाहिए तो उसने मुझे बोला इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसने कहा इन्वेस्ट ये भी अब एक तो आइडिया हो ही गया ना कि व्हाट 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 इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है तो है क्या चीज ये क्या चीज है किसमें पैसा लगाना है आपने इन्वेस्टमेंट आप किसको कहोगे क्या ये जो आप आरडी बना रहे हो या अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हो या कहीं पे आप जमा कर रहे हो सेविंग क्या वो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट है आप अपने पैसे को जिसमें कहते हैं कि कैपिटल को इम्प्रूव करने में अब यहां पे एक वर्ड आया कैपिटल व्हाट इज कैपिटल हाँ जी कैपिटल क्या होता है राजधानी नहीं राजधानी तो होती है कैपिटल वो भी होती है पंजाब की कैपिटल ये है कैपिटल होती है पूंजी इसको हिंदी में आप समझोगे आपसे आप आप जॉब कर रहे हो अब आप चाहते हो कि मैंने जॉब तो कर ली है पर मैं ना कुछ बिजनेस करना चाहता हूं ठीक जॉब में लगता है कि मैं मेहनत तो बहुत खूब करता हूँ पर मेरे को सैलरी मिल जाती है प्रॉफिट नहीं मिलता है मेरे को इस तरह से बात आती है ना तो आप कहते हो कि ये मैंने बिजनेस करना है अब बिजनेस में आपको कुछ कैपिटल लगानी पड़ती है इन्वेस्ट करनी पड़ती है ठीक है ना आप एक शॉप खोलोगे तो शॉप का रेंट भी है या उसको परचेज करोगे फिर उसमें सामान है सब कुछ लगाना है ग्राहक आएगा बिकेगा तब और अभी तो आपको इन्वेस्ट करना है मशीन्स फैक्ट्री लगानी है तो मशीन्स हैं मटेरियल का परचेजिंग है सारा कुछ है तो वो सारा कुछ आप इन लगाते हो उसको कहते हैं पूंजी तो जो आप पूंजी लगाओ और जिससे इंक्रीज इन कैपिटल हो इंक्रीज इन कैपिटल हो दैट इज इन्वेस्टमेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट आपने कुछ पैसे लगाए कुछ रुपए लगाए आजकल तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको ऐप पे ही इन्वेस्टमेंट होती है सीधी ऐप पे ही आप इन्वेस्ट करते हो ऐप पे ही आप निकाल लेते हो वो इन्वेस्टमेंट कहां पे हुई एक कंपनी है कंपनी ने कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए हैं क्योंकि वो अब उसको पैसे की जरूरत है तो आप उनको खरीदते हो वो पैसा कंपनी अपनी मशीन नई मशीन लगाने में इस तरह से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर देती है ठीक है सो दैट इज इन्वेस्टमेंट अब समझाएगा इसके इन्वेस्टमेंट सेविंग से ये अलग 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 है तो ये जो है कि इनकम का वो भाग जो खर्च नहीं किया जाता पर सेविंग भी नहीं है जिसको कैपिटल की फॉर्मेशन में निर्माण पूंजी निर्माण कहा जाता है इंक्रीज इन कैपिटल उसमें लगा दिया जाता है ठीक तो अगर जब आप एक साल का मतलब आप पूरा देखोगे तो आप देखोगे अच्छा हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है ठीक आप में आ रही थी इनकम आ रही थी इनकम में से आप साथ के साथ कुछ ना कुछ नई चीजें परचेज करते जा रहे हो जो आपकी शॉप में आपके कारखाने में आपकी इंडस्ट्री में जहां पे भी आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट काउंट हो रही है अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ से होती है इसके लिए हाँ अब ध्यान देना कि आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर आपको इन टर्म्स के बारे में बताना है इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन in, ब्यूरो में पेपर में क्वेश्चन एक आया था नेशनल इनकम में कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं नेशनल इनकम दैट मीन्स जिसने नेशनल इनकम पढ़ा होगा या समझ होगी उसको लिख सकता है तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं पर इससे आप क्योंकि ये अब 9th और टेंथ तक की ही है हमने इसको प्लस वन प्लस टू उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे क्योंकि हमें जनरल अवेयरनेस ही करनी है जनरल अवेयरनेस का मतलब अप टू नाइन्थ अप टू टेंथ जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई गई है एनसीआर में या स्टेट बोर्ड के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जो पढ़ाई गई है हम उतना ही पढ़ें उसको उसको समझे पर इसको समझने का मतलब पता एक और बड़ा अच्छा मतलब है कि अभी जैसे बजट पास हुआ हो गया या होना है हो गया ठीक है तो बजट में क्या हुआ कौन सी चीजें बड़ी कौन से टैक्सेस लगे कौन से टैक्स हटाए गए कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया ना उसका रीजन है कि बजट को समझने के लिए एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी का अंडरस्टैंड होना जरूरी है जब आप फिर आप पढ़ोगे जब सुनोगे तो आपको बजट की समझ आएगी डायरेक्टली आप उसको समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता ठीक है अब जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात होती है कई बार कहा जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इंडक्शन तो आपने पढ़ा होगा कहीं पे इंड्यूस इंडक्शन ठीक है नहीं पढ़ा इंड्यूस है कि, क्या मतलब होता है वो क्या होता है ट्रांसफार्टमेंट में तो होती है क्या होता है क्या है इंड्यूस होता है ये कामनी की फ्रेंड ने एक नई ड्रेस खरीदी मार्केट से नई ड्रेस खरीदी कामनी को दिखाई अब कामनी के मन में एक इच्छा इंड्यूस पैदा होगी कि वो भी खरीद के आए अदरवाइज वो आराम से बैठी थी कि मुझे जरूरत नहीं है इसको कहते हैं इंडक्शन दूसरे को देख के प्रेरित हो जाना इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें हमें लगे कि इनकम या जो प्रॉफिट है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो आप अपने आप से जाके निकल के बाहर आना ओके जी गुरपाल जीत कौर ठीक ठीक है मतलब आप किसी कोई कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिट में चल रही है तो उसको मांगने की जरूरत नहीं लोग अपने आप से ही प्रेरित होके इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो लोगों को लग रहा है लोगों को उसमें विश्वास बन रहा है कि ये जो कंपनी है ये उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगी जो भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे उस पर प्रॉफिट देगी कुमार सर कौर नहीं ओके ठीक है जी <laughs> <laughs> ओके सॉरी जी ठीक है तो ये आपको समझाएगा ये अगर प्रॉफिट कम है तो ये इंड्यूस्ड ई इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी लोगों को लगेगा यार ये तो डूब रही है कम इन्वेस्ट करो प्रॉफिट आ रहा है अच्छा आ रहा है कंपनी अच्छा कर रही है पिछले साल बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया इसने अपने कस्टमर्स को इन्वेस्टर्स को तो अब और कर देंगे वो तो ये इंड्यूस्ड है दूसरा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ठीक जहां पे आपको लगे आप अपने आप मैं तो बोलता जा रहा हूं आप अपने आप हिंदी पंजाबी में उसको नोट कर लेना हमें इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाना इसकी अंडरस्टैंडिंग पे जाना है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये दूसरी तरह की एक और टाइप है इन्वेस्टमेंट की तो कंपनी है एक सरकारी कंपनी है अच्छा नहीं कर रही मार्केट में तो उसकी जो प्रॉफिट की बजाय लॉसेस में जा रही है तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी उसको सरवाइव कराने के लिए क्या करेगी बेच देगी <laughs> एक तो ये है कि गवर्नमेंट बेच भी देती है ठीक है बंद कर देती है कोई ना कोई जो कंपनी ऐसी होती है तो उसको में लगता है कि यार इसके तो नुकसान हो रहा है, पर एक उसमें कुछ सरकार की तरफ जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको सरवाइव कराने के लिए कि इसमें कुछ हम इन्वेस्ट कर दें कंपनी चलने लग जाएगी तो, तो दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है डिमांड को इंक्रीज करने के लिए कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो इसमें जो टोटल डिमांड है वो इंक्रीज होगी तो किसी तरह वो प्रोविजन तो यही है ना कि आप इन्वेस्ट करोगे कौन इन्वेस्ट करेगा नेशनल इनकम में नेशनल लेवल पे आपका कौन इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी और दूसरे वे में कौन इन्वेस्ट करेगा आपका अपना बिजनेस है ठीक तो आप अपनी पेरेंट्स से जाके कहोगे कि, कि, कि मेरे को इतना देना था वो दे दो जी एफडी डी तोड़वा लो जरूरत है सो so दैट कि अब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और तो डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा बिजनेस चलेगा तो उस केस में आप अपने आप से करते हो पर गवर्नमेंट सेक्टर में ये गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है कुछ ऐसी फर्म्स में जो काम ठीक नहीं चल रही थी पर उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत लोग जनरेट नहीं कर पा रही थी इसके अलावा अब हम एक कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये टर्म यूज करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये एक बड़ा वर्ड आ जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दूसरा एक वर्ड ये यूज कर लेते हैं नेट इन्वेस्टमेंट ये सुने हैं दोनों वर्ड आपने ग्रॉस और नेट क्या फर्क है दोनों में क्या फर्क है कुछ फर्क है क्या फर्क है नहीं फर्क है तभी तो अलग अलग है ये तो कोई आंसर नहीं हुआ ठीक है तो अगर आपको यहाँ पे ही प्रॉब्लम आ गई ना इसका मतलब ये है हमें इकोनॉमिक्स में अपनी जानकारी थोड़ी इंक्रीज करनी चाहिए ग्रॉस या नेट कुल जिसको हम कहते हैं कुल निवेश इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश बोला जाता है ना कुल निवेश तो शुद्ध इसको हम शुद्ध निवेश बोलेंगे नेट नेट को शुद्ध अब हम इसको एक्सप्लेनेशन में भी ले, ले लेते हैं शुद्ध और इसको जब बोलते हैं तो यहां कुल कुल इन्वेस्टमेंट शुद्ध इन्वेस्टमेंट तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके दो पार्ट हैं एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दूसरी है शुद्ध इन्वेस्टमेंट ठीक है प्रतिस्थापन जो है इसको मॉडर्नाइजेशन इसको आप इस तरह से समझो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इसको अगर आप ध्यान से मैं थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट और एक मॉडर्नाइजेशन प्लेस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होती है दूसरा है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इन दोनों को प्लस कर दो अब मैं आपको इसको समझाता हूं आपकी जो फैक्ट्री है फैक्ट्री में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें से कुछ हिस्सा आपकी पूंजी को बढ़ाने के लिए लग गया ठीक आपने मान लीजिए अपनी शॉप में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो वो तो आपके टोटल है आप कहीं से मांग के ले आए कि हम 20 लाख रुपए लगा रहे हैं जरूरत है जी बीस लाख में आपने जो पांच लाख रुपए तो आपको अपनी मशीन्स जो उनको रिप्लेस करने में या मॉडर्नाइजेशन में ही लग गए दैट मीन्स पुरानी मशीनें थी उनको उसी लेवल पे वर्क कराने क्योंकि डेप्रीशिएट हो जाती है ना वो उनको उस डेप्रीशिएशन को फिल करने में ही लग गए पांच लाख रुपए अब कितने बचे नेट शुद्ध आपकी इन्वेस्टमेंट पंद्रह लाख रुपए रह गई पंद्रह लाख रुपए आपने एग्जैक्ट में अपनी कैपिटल को इनक्रीज कराने में लगाए और बाकी जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट थी उसने तो आपकी पुरानी जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी उसको डेप्रीशिएशन के बाद फिर से वापस उसी लेवल में लाने में लग गए आपकी जो पुरानी थी उसमें रिपेयर वर्क में ही लग गई मॉडर्नाइजेशन में ही लग गई तो इस तरह से अब आप, आपको समझ आ गए ग्रॉस तो आप जितना मांग के लेके आए थे कंपनी के पास कितना कट्ठा हो गया इन्वेस्टमेंट कट्ठी हो गई तो उसने दो पार्ट्स में कर लिया एक तो उसने नेट इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर के लिए कैपिटल को इनक्रीज करने में लग गई पर बाकी उसके यो भी तो है ना जो पुरानी मशीनें हैं उनको रिप्लेस करना है या उनको रिपेयर करना है उनमें लग गई तो ये इस रिप्लेसमेंट ने जब मॉडर्नाइजेशन इन्वेस्टमेंट ने जो ऑलरेडी उनके पास था जो भी था उनके पास उसकी वैल्यू को मेंटेन करवाया है इंक्रीज नहीं किया कम होने से बचा लिया मेंटेन कर दिया ठीक है जी अब समझ में आया इसको तो ये हो गई आपके निवेश। अब इन्वेस्टमेंट से क्या होता है एक वर्ड आता है कैपिटल फॉर्मेशन अब समझ में आने लग गया धीरे धीरे इसको आराम से समझो इनके ऊपर आपको डायरेक्टली कोई ऐसी कुछ नहीं है कि आपको थ्योरी लिखने को आ जाएगी ऐसा कुछ नहीं आएगा आपको जनरल अवेयरनेस में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि आपको इनके मतलब भी पता है जो बोला जा रहा है अब नेक्स्ट हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है फोर्थ पॉइंट है ये सिक्स सिक्स पॉइंट चलो ये इन्वेस्टमेंट के अंडर ही सारे पॉइंट थे हम सिक्स कैपिटल निर्माण जो है तो आपकी जितनी भी इनकम है उनमें एक तो कंजम्पशन करते हो जो कंजम्पशन नहीं करते उस इनकम को क्या कहा उस पार्ट को सेविंग कहते हैं ठीक कंजम्पशन क्या है जो आपकी जरूरतों के लिए है वो पर उनमें से अगर कुछ हिस्सा आप सेविंग में से लगा लो चाहे कहीं से भी लगाओ मेनली तो सेविंग में से ही लगाओगे ना जो आपकी फैक्ट्री में इंप्रूवमेंट के लिए हो आपकी फैक्ट्री में इंप्रूवमेंट के लिए हो सो दैट कि आप उस इन्वेस्टमेंट से मतलब उस इन्वेस्ट मतलब जो भी आपने पैसा लगाया और ज्यादा कमा सको प्रॉफिट ज्यादा गेन कर सको दैट इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है अब आम आदमी जो नौकरी कर रहा है वो क्या करता है उसके पास जितनी इनकम होती है उसमें से इनकम में से आम आदमी कैपिट ए, एक तो करता है कंजम्पशन खा पी जाता है सर्वाइवल के लिए जितना उसको जरूरत है फिर थोड़ा समझदार है सेविंग कर लेता है बस इतना करता है पर एक बिजनेसमैन जो है वो इसके साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन भी करता है कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है मतलब आपके पास जो आमदन हो रही है उसमें कंजम्पशन तो करनी है सेविंग भी करनी है सेविंग के साथ साथ अब फ्यूचर के लिए आपको अपनी फैक्ट्री में अपनी शॉप में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते चले जाना है ऐसा तो नहीं है कि आप जो पिछले साल दो साल से मशीनें चला रहे थे उसी से अब उतना ही प्रॉफिट अब कमा लोगे नहीं ना हाँ जी नहीं आपको कई बार वो मशीन ही रिप्लेस करनी पड़ती है कई बार नई मशीनें लानी पड़ती हैं मार्केट में अब नए कंपटीशन शुरू हो गए हैं सस्ता हो गया नई मशीन के साथ चलना पड़ेगा तो वो कुछ ना कुछ तो अब आपको कैपिटल फॉर्मेशन करनी ही पड़ेगी ना तो जो बिजनेस करते हैं बिजनेस माइंडेड लोग हैं बिजनेस मैन है वो ये दोनों के साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन पे भी ध्यान देते हैं कि आपकी दुकान में कुछ कुछ और बढ़ जाए कैसे बढ़ जाता है ठीक है आपने देखा दुकान के बाहर खड़े होके कि आपकी शॉप तो ठीक चल रही है यार ठीक पर जो आपका जो बोर्ड था वो अच्छा नहीं था ठीक मतलब पुराना लग रहा है लुक वाइज पुराना लग रहा है पड़ोस वालों ने बड़ा अच्छा बोर्ड लगा रखा है ठीक हो सकता है उसके कस्टमर ज्यादा बढ़ गए हों इससे तो आप भी अब एक नया बोर्ड लगवा देते हो ठीक नया बोर्ड लगवा देते हो ये इन्वेस्टमेंट है उससे कुछ फायदा होगा आप अपने ऑफिस में बैठे हो देख रहे हो यार अब ये कर्टन से तीन साल से वो ही चल रहे हैं खराब हो रखे हैं डेकोरेशन अच्छी नहीं है इमेज अच्छी नहीं बन रही तो इसको भी इन्वेस्ट करो ये मशीन जो थी एक मशीन से बड़ा लोड पड़ रहा है काम ज्यादा आ रहा है कुछ और मशीन लेके आनी है तो वो सारी आप कैपिटल फॉर्मेशन के साथ करते हो उससे कैपिटल फॉर्मेशन से आपको बेनिफिट क्या होता है फ्यूचर में और ज्यादा आपको इन प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉफिट और ज्यादा हो जाता है इसलिए आपको यह कंटिन्यूस कंटिन्यूस सोचना पड़ता है पर जो नॉर्मल है अगर सरकारी नौकरी वाला वो इस कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं जाता है जाता है कभी नहीं वो कम जाता है ठीक है उसको पता है क्योंकि इस कैपिटल फॉर्मेशन के बगैर भी उसका जो काम चल रहा है उसको सेविंग की ज्यादा जरूरत है वो सेविंग करता है ओके okay? तो ये अपनी अपनी विचारधारा है थिंकिंग है तो पूंजी निर्माण या पूंजी जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसके एक तो लिमिटेड मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन यार बंद कर दी भी बंद कर देना अच्छा वो पीछे वाला अब गवर्नमेंट जो है अब हम सरकार अब घर से बात की थी हमने पर्सनल बिजनेस से बात की समझाने के लिए अब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं आप हो जी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की क्या नाम है मैडम निर्मला सीतारोमन ठीक है तो वो है अब आप उनकी जगह अपने आप को रखो या गवर्नमेंट की जगह अपने आप सोचो कि पूंजी निर्माण एक तो है जिसको हम लिमिटेड मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं कि लिमिटेड मीनिंग में इसका मीनिंग क्या है लिमिटेड मीनिंग में इसका मीनिंग है कि आप सिर्फ वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पे डायरेक्टली प्रॉफिट की बात होती है जहां पे डायरेक्टली प्रॉफिट कि आप मशीन से नहीं लगवा दे हो। मशीन से आपको सीधे ही समझ में आता है कि यार मशीनें आने से काम बढ़ेगा काम सिंपल होगा नई मशीनें आ जाएंगी ठीक है तो वो लिमिटेड में है आप बिल्डिंग्स बनवा देते हो जिसमें काम काज के लिए और अच्छी सहूलतें आ जाती हैं आप इन्वेस्टमेंट करते हो रॉ मटेरियल पे ऊपर इन्वेस्ट कर देते हो तो ये तो आपको सीधा सीधा ही पता है कि मशीन्स पे काम कर दिया मशीन्स नहीं परचेज कर ली रॉ मटेरियल पे बिल्डिंग्स पे जो बिल्डिंग है इस पे आप ध्यान देने लग गए हो ये पर यही कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है कैपिटल फॉर्मेशन में ब्रॉडर मीनिंग भी है एक ब्रॉडर मीनिंग में क्या है ब्रॉडर मीनिंग में आप रोड्स पे डेवलपमेंट पे ध्यान देने लग गए गवर्नमेंट रोड्स बनाती है ना रोड्स की डेवलपमेंट जो है नई रोड्स जो है और क्या हो सकता है जैसे नहरें नहरें क्या होती हैं कैनाल्स वो बना दिया आपने पुल बना दिए ब्रिज ओवर ब्रिज बन रहे हैं ब्रिज बन रहे हैं इस तरह से बना दिए अब इनसे कोई बेनिफिट होगा देखने में लगता है यार इनसे क्या है रोड बना दी है इससे कोई इनकम थोड़ा जनरेट होनी है टोल टैक्स भी लगेगा तो वो बनाने वाले को प्रॉफिट हो रहा है उसको मतलब वो ले रहा है उसमें से क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया था इसका जब इस वे में सोचते हैं ना कैपिटल फॉर्मेशन तो ये भी कैपिटल फॉर्मेशन है अगर आपकी सड़कें अच्छी नहीं हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे अच्छा होगा नहरें नहीं है फसलें कैसे अच्छी होंगी ठीक है ये आपकी इसको जनरली सोचा नहीं जाता पर गवर्नमेंट इसको भी इन्वेस्टमेंट मानती है इसको भी इन्वेस्टमेंट मानती है अब आप इसको गवर्नमेंट से फिर से पर्सनल लेवल पे लेके जाओ दो तरह से आप कैपिटल फॉर्मेशन बताओ आप लिमिटेड में लिमिटेड में तो लिमिटेड में क्या है तो लाला जी बैठे हैं दुकान पे बेटा भी उनका दुकान पे आ गया उसने भी एमबीए कर रखी थी वो कह रहा है कि अब बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे उस लाला जी को बोल रहा कहता पापा जी कंप्यूटर लेना है कंप सारा जो अकाउंट है वो कंप्यूटर पे चल रहा है वो लाला जी कह रहे तेरा दिमाग खराब है कंप्यूटर लेगा अच्छा वाला काम चल रहा है ठीक तो उसको कंप्यूटर समझाने में भी टाइम लग रहा है कि कंप्यूटर जरूरत है ठीक ठीक है कंप्यूटर की जरूरत है वो कह रहा है जी अपने पापा को कि जी रिसेप्शन अच्छी नहीं है वो कह रहा है मैं बीस साल से चला रहा हूँ इसी रिसेप्शन के ऊपर सब कुछ चल रहा है तू कह रहा अच्छी नहीं है नहीं नहीं जी अच्छी नहीं है तो वो जो माननी नहीं जा रही कि इससे कोई प्रॉफिट या इससे कोई इंक्रीज हो रहा है दैट इज ब्रॉडर सेंस में अब आप किसी ऑफिस में जाते हो तो वहां पे जो रिसेप्शन है उसी की डेकोरेशन पे काफी ध्यान दे दिया जाता है कस्टमर को कैसे डील करना उस पर आ जाता है उसके बगैर भी तो हो सकता था तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी देखती है कि ये देखने में ऐसा लगता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है ना करेंगे तो भी अच्छा है पर रोड्स कैनल्स ओवरब्रिजेस और भी जो लोगों की भी डेवलपमेंट है जिसमें मेडिकल फैसिलिटी जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है और जो भी चीजें लोगों की डेवलपमेंट अगर लोग ही परचेजिंग पावर में नहीं आएंगे उनको ही हेल्प नहीं है तो वो नहीं कर सकते ठीक है दोनों मीनिंग आ गए आपको इस तरह से ये आपको समझ में आ जाता है तो अब ब्रॉडर मीनिंग अब इसमें कैपिटल जो फॉर्मेशन है तो इसमें दो तरह के हमने कर लिए एक तो नेट जैसे हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की नेट इन्वेस्टमेंट की क्योंकि वो भी कैपिटल से रिलेटेड है ना तो आप भी कह सकते हो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट कैपिटल फॉर्मेशन अब मैं आपसे पूछूंगा कि इनका मतलब क्या है मैंने ये वर्ड ग्रॉस इसके लगा दिया कैपिटल फॉर्मेशन नेट कैपिटल फॉर्मेशन हाँ जी अगर आपको ग्रॉस और नेट क्लियर हो रहा है तो आप इसको आसानी से समझ भी सकते हो निर्मला सीतारमन गगन जी बिल्कुल ठीक है जी हाँ क्या मतलब है इसका अब सीधा सीधा इसको ऐसे समझना है कैपिटल फॉर्मेशन तो आपको समझ लग गई ना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं पर उसमें से वो इन्वेस्टमेंट वो कैपिटल फॉर्मेशन जो पुरानी सड़क ठीक करने में ही लग गया वो तो ऐसे आ जाएगा ना जैसे रिप्लेसमेंट में आ गई रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन कैपिटल फॉर्मेशन जो एक्चुअल में नई सड़कें बनाने में लगा नए ब्रिज बनाने में लगा उसको आप जब ऐड कर दोगे तो वो वो नेट इन्वेस्टमेंट है और टोटल आपका हो जाएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है तो इस ग्रॉस और नेट को समझ गए ना आप ठीक अब आप इसको समझते हो कि आपने किसी को कहा है कि आप भाई जाके कहीं से कोई काम करके या कितने पैसे लगेंगे वन थाउजेंड रुपीज लगता है किराया आपने देख लिया आपने किराया दे दिया वन थाउजेंड काउंट करके कि बस में इसका वन थाउजेंड रुपीज की टिकट लगती है भाई वो वन थाउजेंड आप ग्रॉस में थोड़ा दे सकते हो उसकी नेट में इतना है पर उसके अलावा रिक्शे का खर्चा उसके अलावा कुछ खाने पीने का खर्चा वो सारा कुछ भी तो आपको उसको मेंटेनेंस टेन, में, में देना है ना तो नॉर्मल वे में इस तरह से समझो कि ग्रॉस का मतलब है ओवरऑल उसमें से नेट जो है शुद्ध इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन प्लस जितनी उसमें मतलब दूसरे खर्चे आ गए हैं जो उसके पिछले रिप्लेसमेंट खर्चे जिसको कह सकते हैं डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट Un एक टर्म ऐसी आती है ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है अनए्लॉयमेंट Un क्या होती है सातवा डिसगाइज अनएंप्लॉयमेंट जी कौन सी होती है जी ये अनएम्प्लॉयमेंट तो हां आप, आप किस कैटेगरी के हो <laughs> जी किस कैटेगरी में हो अनएम्प्लॉयमेंट में हो ठीक है जब आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी काम मिल जाएगा आप एम्प्लॉयड हो जाओगे तो गवर्नमेंट में बहुत सी स्कीमें होती है ना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी होता है एक नाम दर्ज कराते हो फिर आपके घर में लेटर आती है आती है नहीं आती है ठीक है तो वो सारे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करती है अब आपके घर में एक खेती बाड़ी होती है मान लो खेती बाड़ी है खेती बाड़ी में आप चार ब्रदर हो और चारों के चारों खेती बाड़ी कर रहे हो और चार ब्रदर हो तो आपकी एग्रीकल्चर है जितनी भी लैंड है ठीक मान लीजिए दस एकड़ लैंड है कम है ज्यादा नहीं देखते दस एकड़ लैंड है और इसको एक आदमी की जरूरत है वन मैन था यानी कि एक आदमी इसको अच्छे से मैनेज कर सकता है मान लीजिए ठीक है दस एकड़ है मतलब आपको इतनी एग्रीकल्चर है एक आदमी पर उसको अब बैठे कितने हैं, चार लोग ठीक है वो चारों के चार अब बिजी हैं, जैसे भी तो पर ये जो तीन लोग हैं वो दोखे में है वो डिस अनुप्लॉयमेंट है छुपी हुई इसको कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी कि जिसका पता ही नहीं है छुपी हुई बेरोजगारी ठीक घर में एक शॉप है होम बिजनेस होते हैं ना शॉप है तो उसपे कभी मम्मी बैठ जाती है कभी पापा बैठ जाते हैं कभी आप बैठ जाते हैं कभी भाई बैठ जाता है ठीक है एक ही शॉप को एक आदमी चला सकता है पर उसके चार आदमी सारे कहते हैं मैं भी तो बैठती हूँ मेरा भी तो रोल है मुझे भी कुछ मिलना चाहिए तो वो छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है कि इसमें क्या है कि ये जनरली जो जैसे वो कंट्री जहां पे जिनको अंडर डिवल्प कहते हैं हम पता नहीं अभी डिवेल्पिंग तो नहीं बने ना डिवेल्पिंग है डिवेलप्ड नहीं बने हम ठीक है तो डिवेल्पिंग भी हमें कहा जाता है वो भी सरकारी आंकड़ों में जो ग्राउंड लेवल पे अभी भी हम नीचे ही है कहीं पे ठीक हम नीचे ही हैं चलो फिर भी डिवेल्पिंग है तो ये जो छोटे डिस्क है इनमें पॉपुलेशन जो होती है वो अगर ज्यादा हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट के जो वो है वो बढ़ेंगे या कम होंगे एक जगह पे जरूरत से ज्यादा लोगों का काम करना हाँ जी ठीक है एक मतलब पर्टिकुलर घर में या बाहर कहीं पे भी ज्यादा बैठे हैं लोग एक ही उसपे एक एक अगर काम कर ले वो उसी को अच्छे से चला सकता था ठीक अच्छा ये भी होता है जब चार लोग काम करने के लिए होते हैं तो वो वैसे भी काम नहीं करते एक दूसरे पे छोड़ देते कि वो करेगा वो करेगा ठीक अगर एक ही आदमी के पास होता है उसको पता होता है मुझे क्या करना है वो करता रहता है तो ज्यादा लोगों को रोजगार के एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाती हैं इसलिए इन लोगों इन कंट्रीज में जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहां पे जो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं तो इसमें भी आप देखोगे कि मेन जो इनका इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मेन डिपेंडेंसी ही एग्रीकल्चर के ऊपर है मेन डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर ही है तो उसमें थोड़ा सा जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं थोड़ा थोड़ा जितना भी उनको काम मिला तो काम तो मिल गया ना थोड़ा बहुत काम मिल गया तो इसलिए इसमें जो अनएम्प्लॉयड है तो उसमें सारे के सारे एक छोटे से उसपे दुकान पे ही लग गए हैं एक उसी पे लग गए हैं शॉप है जी बहुत अच्छी दादाजी भी बैठे हैं बेटा जी भी साथ में दो बेटे हैं फिर उनके भी आगे दो बैठे हैं एक ही दुकान पे सारे चले गए हैं उसको आप कितना इंक्रीज कर लोगे जो एक आदमी चला सकता था उसको अगर पांच आदमी चलाने में लगे हुए हैं तो वो छुपी हुई बेरोजगारी है तो इसकी अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि जहां जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं अब आता है फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण बेरो रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये तो मतलब आधा रोजगार दे दिया ना आधा ठीक है फुल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे फुल एम्प्लॉयमेंट ये टर्म्स समझने वाली बातें हैं ठीक है मैंने आज पहले फिर बता देता हूं आज का लेक्चर जो है वो टर्म्स समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए है इसको हम दो लेवल पे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट के लेवल पे बड़े लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं बात समझने की है तो इसमें अब <laughs> <coughs> ये जनरली तो हम इसको कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट उस केस में है जब कोई भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं होता मतलब सभी आदमियों को फुली जितना काम है उतना मौका मिल गया है छुपी हुई बेरोजगारी नहीं सभी को सारा कुछ मिल गया है पर ऐसा तो ए, इंडिया में तो अभी पॉसिबिलिटी है नहीं कहीं पे भी ये पॉसिबिलिटी नहीं होती पर जो बेटर बढ़िया कंट्री होते हैं मतलब जो अमीर कंट्रीज हैं अमीर कंट्रीज़ में क्या होता है कि उनमें जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा होने से लगभग हर एक को ज्यादा मतलब नौकरी मिल जाती है जो उसकी चॉइस की होती है तो करता रहता है तो फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि अभी भी काम तो बचा है अब क्या करना है इंडिया से मंगवाओ कैनेडियन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फिर भारत के लोगों को बुलाती है ना तो उसको हम क्या कहते हैं माइग्रेशन लेबर माइग्रेशन तो उनको यहां से अच्छी माइग्रेशन मतलब अच्छी लेबर वहां पे मिल जाती है यहां पे रुपीज में मिलनी थी वहां डॉलर्स में मिल जाती है तो उनका भी स्टैंडर्ड हाई हो गया उनका भी स्टैंडर्ड हाई हो गया इसका मतलब वहां पे अगर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है मतलब नौकरियां ज्यादा हैं तो फुल तो नहीं कहेंगे हम कि फुल एम्प्लॉयमेंट मिलती है पर इंडिया से अच्छी मिल जाती है ठीक है ना इंडिया फुल फुल इंप्लॉयमेंट एक आइडल टर्म है कि सभी को गवर्नमेंट ने नौकरियां दे दी हैं सारे लोग लगे हुए हैं ठीक इस तरह से अब इसमें इस इसको अब समझना आप एक मान लीजिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि रेट एक को वेजेस 2500 फाइव हंड्रेड रुपीज का वेजेस मिलने मिलने हैं फाइव हंड्रेड ज्यादा कि कितनी आजकल लेबर हाँ साढ़े छे सौ कितनी सात सौ रुपये चलो सात सौ रुपये लगाओ कि एक आदमी सात सौ रुपए दिहाड़ी मिलेगी उसको सात सौ रुपये देने पड़ेंगे डेली का इतना लगा लो ठीक ओके अब आप ने इंजीनियरिंग की ठीक <laughs> है आपने अच्छे खासा स्किल डेवलप कर दिया है नौकरी है नहीं गवर्नमेंट कह रही है सात सौ रुपये दिहाड़ी मिलती है लग जा आप कहते तो सात सौ रुपये नहीं मैं देखो तो अगर दो हजार रुपये मिलेगी तो मैं लगूंगा नहीं मैं अनएम्प्लॉयड हूं ठीक है नहीं मैं अनएम्प्लॉयड ही रहूंगा तो गवर्नमेंट कहती है नहीं अब आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहे क्यों आपने मना किया है जो गवर्नमेंट ने पैसे कहा है ना कि इतने पे आपको करना है अगर आप मना करते हो तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयड की लिस्ट से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसने तो प्रोवाइड किया था ना आपको वो कहते हमने प्रोवाइड किया रेट इतना ही चल रहा है साठ सात सौ रुपए अब कहाँ से दे हम आप नहीं काम करते तो आप खुद को अब अनएम्प्लॉयड कहते हो कहते रहो पर आप हमारी उसमें अः हां जो भी काम मिलता है अकॉर्डिंग टू एरिया वेजेस चल रहे हैं ठीक है जी ओके ठीक है समझ लग गई आप कहते हो कि हमें हमारी मन मर्जी का जितने वेजेस हैं उतने मिलने चाहिए तब हम काम करेंगे अदरवाइज आप हमको अनएम्प्लॉयड काउंट करो गवर्नमेंट कहती है नहीं जो मार्केट में रेट चल रहा है आपको मिल रहा है आप उस पर काम कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयड हो अगर आपने मना किया है तो वो आपकी मर्जी है फिर आप हमारी एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट से बाहर हो ठीक है हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि अनएम्प्लॉयड के बेनिफिट आपको देने शुरू कर दें ठीक तो है तो समझ लगी ना कई बार गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अनएम्प्लॉयड लोगों को जो बेनिफिट देती हैं, भारत में तो शायद नहीं है पर बाहर कंट्रीज में है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो आपको दो मंथ के लिए तीन मंथ के लिए सिक्स मंथ के लिए कुछ बेनिफिट देती हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हो ठीक अब आप गवर्नमेंट ने कहा कि मैंने तो आपको प्रोवाइड कर दिया आप सात सौ रुपए गए क्यों नहीं वहां काम करने क्यों नहीं गए आप नहीं गए आपको वो बेनिफिट बंद है इसलिए ये फुल एम्प्लॉयमेंट को समझो फुल एम्प्लॉयमेंट फुल जो है इसमें जो हम कहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इसमें भी गवर्नमेंट तो कहती फुल एम्प्लॉयमेंट पर इसमें भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट छुपी हुई है अब उनको देखेंगे हम ठीक है तो इसको कहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय अन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट आपको पता है जिन फैमिलीज़ में जिन फैमिलीज़ में मतलब जो बिजनेस क्लास फैमिलीज़ होती हैं जब वो लोग कंपटीशन पे तैयारी करते हैं वो ज्यादा अच्छी तैयारी करते हैं जो बिजनेस जिनके मतलब मदर फादर का सोर्स ऑफ इनकम एक बिजनेस है वो अच्छी तैयारी करते हैं क्योंकि जिन फैमिलीज़ में बिजनेस है ना बिजनेस तो उनको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कभी अप है कभी डाउन है उनको अपने पैसे अगर उन्होंने वन लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो वो ये सोचते हैं एक लाख तो कर दिया है अब इसमें हमें गेन क्या होगा वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बच्चों में भी वो ट्रेंड जाता है कि गेन क्या होगा ठीक है जो सरकारी वाले होते हैं सरकारी वालों में तो उनको हर पांच साल बाद क्या हो जाता है नया स्केल शुरू हो जाता है तो कुछ ना कुछ अपने अगर कुछ नहीं भी कर रहे तो भी उनकी इंप्रूवमेंट है मेंटेनेंस है तो बच्चों में वो फीलिंग आती है कि अपने आप होगा इसलिए जब वो कोचिंग लेते हैं ना वो कोचिंग जो बिजनेस क्लास से आते हैं वो सोचते हैं कि यार मेरे घर वालों ने मान लीजिए फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो मेरे किताबों पे इस पे पे खर्च हो गया है और मेरे रहने पे भी उन्होंने लाख रुपया खर्च कर दिया है डेढ़ लाख पे चला गया है डेढ़ लाख कमाने में कितना टाइम लगेगा तो वो जो पढ़ाई भी करता है और कोचिंग भी करता है इस सेंस में करता है कि मुझे मैक्सिमम गेन करना है ठीक है मुझे मैक्सिमम गेन करना है अगर मुझे जुलाई तक मैंने जुलाई तक सोच रखा है कि जहाँ जून तक जो सोच रखा है दो महीने और मेरा कितना खर्चा होगा और अगर मुझे एक महीना और रहना पड़ गया तो कितना खर्चा होगा ये जो कैलकुलेशन है ना माइंड की ये उसको तैयारी करवाती है <laughs> ये ना उसको तैयारी करवाती है अब फैक्ट समझो इसको तो उसको अब ये हो गया कि मुझे यार दो मंथ तक ही रहना इसमें सारा सिलेबस कवर कुवर करके जो पढ़ाना है करना है बुक्स नोट्स वगैरह बना के वो चला जाएगा ठीक है क्योंकि उसके पापा कहेंगे यार तेरे को अब फिर से खर्चा देना है तो वो उस खर्चे में अपने आप को बाउंड करता है अगर ऐसा हो कि भाई तू छे महीने लगा चाहे आठ लगा चाहे साल लगा तो वो उसी हिसाब से स्लो हो जाता है क्योंकि तो आ रहा है ना चल रहा है बस आ रहा है चल रहा है तो वो उसी हिसाब से धीरे धीरे तैयारी करता है ठीक इसलिए हर तैयारी के पीछे इकोनॉमिक मोटिव होना जरूरी है इकोनॉमी या माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी का दिमाग के ऊपर असर होना जरूरी है जिसने माता लक्ष्मी को रुष्ट कर दिया तो फिर भगवान भी उसके सहायता नहीं कर सकते ठीक है इसलिए इसको आप जो अपनी तैयारी भी कर रहे हो ना इसको भी आप इस वे में सोचा करो कि यार ये कोई तैयारी मुफ्त में थोड़ो हो रही है आपको टाइम भी मनी भी सारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है और अगर इसका रिजल्ट नहीं आएगा आने वाले टाइम में जो भी इसका रिजल्ट रिजल्ट क्या है कि आपको कहीं पे सिलेक्शन नहीं होती तो फिर ये तो सारा टाइम भी गया और ये पैसा लगाया भी गया और घर वालों की जो जितनी भी थी वो चीजें भी गई जब आप इससे आपके माइंड पे प्रेशर बनता है इसलिए आप पढ़ते हो इसलिए आप पढ़ते हो कि कितना पढ़ना है कि फिर कुछ खुद भी पढ़ना है सेल्फ स्टडी तो मोटिवेशन आपको आती है फाइनेंशियल गेन से ही आती है कि मुझे नौकरी करनी है नौकरी मिलेगी कितने पैसे मिलेंगे देखते हो ना आपके कोई भी नोटिस आता है नोटिफिकेशन आती है तो उसमें लिखा होता है कि ये जो नौकरी है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की नौकरी थी अब अगर आपने दिया है तो अगर आप उसमें जून जुलाई तक आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो आपके अकाउंट में फर्स्ट टाइम सैलरी आ जाएगी एट्टी थाउजेंड रुपीज अस्सी हजार रुपये महीने का आ जाएगा ज्यादा आ जाएगा ठीक तो इसको देख के भी तो कई लोग करते हैं यार दो तीन महीने की बात है रगड़ दो यार कर दो मिलेगी मिलेगी ठीक है आप मैंने नहीं करते उसका मतलब ढीलापन क्यों है कि आप फाइनेंशियल गेन पे है ही नहीं आप कहते हो गया ठीक है नहीं हुआ <laughs> तो भी ठीक है ठीक अजगर करे ना चाकरी पंछी करे न काम दास मुलुका कह गए सबके दाता राम भी रोटी तो चली रही है <laughs> भगवान है दाता है सबको दान दे रहा है ठीक तो ये जिसके इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल से नहीं क्लियर ना वो उसकी जो है ना नौकरी वगैरह वो दूर की बातें हैं बिजनेस भी करना है तो भी आपको ये सोच के करना पड़ता है कितना इन्वेस्ट कर रहे हो क्या कम, रिटर्न्स क्या होंगी रिटर्न्स क्या होगी आप कहीं पे कोई पॉलिसी भी लेते हो या कहीं पे आप कंपनी में कोई शेयर भी खरीदते हो तो उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि कौन कौन से इसके डेंजर जोन है तो आप पढ़ोगे उसको कितना है इसी तरह से आपके हर काम में आपके हर काम में एक साल चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता पर आप देखोगे कि एक साल नौकरी नहीं मिली क्या फर्क पड़ता है नेक्स्ट टाइम पे और कंपटीशन इंक्रीज हो जाता नए बंदे ऐड हो जाते हो आप उसमें से बाहर होना शुरू हो जाते हो अच्छा अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है एक है वॉलंट्री अनुप्लॉयमेंट जो आपने खुद से ही सहेड़ ली है आपने ऊपर खुद ही तो अभी हमने डिस्कस किया ना तो इसमें है कि आपको जो गवर्नमेंट या जो इस वक्त मार्केट में प्राइस मिल रहा है आप उस पर काम करने को तैयार नहीं हो तो आपने वॉलंटरली अपने आप से अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड हो गए हो ठीक है आपको काम मिल रहा था पर आपके जितनी आपकी चॉइस के वेजेस हैं वो नहीं थे आपके दूसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शन का मतलब होता है झगड़ा संघर्ष कह सकते हैं ठीक है संघर्ष फ्रिक्शन जो कह सकते हैं इसमें यह है कि थर्मल प्लांट लगा हुआ था जी थर्मल प्लांट में नौकरियां मिली हुई थी जा रहे थे अब पीछे से कोले की कमी आ गई है कच्चा माल पीछे से नहीं आ रहा है तो नए अब टेंडर नहीं पास होंगे नई चीजें नई जो भी होनी थी नई भर्ती नहीं, नहीं होगी रुक गई है तो ये इस तरह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है अब कि जैसे आजकल ये कौन सा जीपीटी चैट जीपीटी ठीक है अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो पुराने टाइप करने वाले जो कंटेंट बिल्डर थे वो खत्म हो गए नए तरह से आ गए हैं पुराने स्लो हैं नए फास्ट आ गए हैं ये हो गया ना मतलब नई मशीन नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो पुराने जो कर रहे थे काम वो अनएम्प्लॉयमेंट में जाने शुरू हो जाएंगे वो पुराने तो नई टेक्नोलॉजी से आपको चलना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी से आजकल आपने देखा भी होगा कि आप खुद कर रहे हो कि आजकल चाय पत्ती मंगानी है तो आप शॉप पे जाते हो ऑर्डर प्लेस कर दो वो पंद्रह मिनट में आपके घर में चाय पत्ती पकड़ा आ जाता है सौ रुपए की चीज भी पकड़ा आ जाता है पकड़ा आ जाता है ना तो आपका जाना आना बच गया आप घर पे बैठे हो और इसके अलावा आपको थोड़ा सा सौ में दो तीन रुपए का बेनिफिट भी देता है वो आपको सस्ता दे देता है ठीक तो नई टेक्नोलॉजी होगी ना नए ट्रेंड्स हो गए नए ट्रेंड्स के से जो पुराने दुकानदार हैं उनको इफेक्ट होता है चल रहे हैं पर आने वाले टाइम में वो कम हो जाएंगे मॉल्स हैं तो उनके सारों के अपने अपने ना अब ये है कि दूसरा कि मशीनें हैं वो ओल्ड हो गई हैं काम ही उसपे नहीं हो रहा है तो वो सारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं फिर है सीजनल एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है सीजनल अन एम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है भाई जो सीजन के हिसाब से होती है ठीक तो जब लेबर आती है पंजाब में आती है खास करके माँ सरस्वती को पाने के लिए माता लक्ष्मी जी की जरूरत है आज के टाइम पे बहुत जरूरत है आज के टाइम में बहुत जरूरत है जो सीजन है मतलब जब चावल लगाने होते हैं झोना तो उस वक्त पूरे के पूरे यहाँ पे आप देखोगे कि लेबर आती है पंजाब में वो सिर्फ मंथ के एक महीने के लिए होती है एक महीने में वो लगा के और उसने वापस जाना है तो उनको एक महीने के लिए सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिली है तो ये जो इसी तरह से जब खत्म हो गई वो तो वो वापस चले गए अनएम्प्लॉयड हो गए इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मौसम के हिसाब से कभी था जैसे आपकी फैक्ट्री है कूलर लगाने की है कूलर बना रहे हो आप गर्मियों में काम बढ़ेगा सर्दियों में फिर एक सीजन ऐसा आएगा आपको कुछ नहीं आपकी फैक्ट्री ठप हो जाएगी ठीक है इस तरह से तो आपको एक एक सीजन में आपको एम्प्लॉयमेंट मिली है दूसरे में अनएम्प्लॉयड हो गए हो फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हम करें <खँँग> जैसे बड़े लेवल पे ही एक्सपोर्ट होना इंडिया से बंद हो गया एक्सपोर्ट होना मतलब किसी वजह से भारत से मान लीजिए जो चावल है वो एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर जा रहा था तो उसके काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बाहर भेजना है अब बाहर के लोगों ने उसको उस साल या किसी वजह से खरीदा ही नहीं एक्सपोर्ट बंद हो गया तो क्या होगा यहां पे जितनी उसके हिसाब से रिलेटेड लोग थे वो अनएम्प्लॉयमेंट में चले गए ठीक है ये उस पूरे स्ट्रक्चर में ही कहीं पे चेंजेस आई हैं मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन से नहीं एक पूरे स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ये जनरेट हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पूरे का पूरे जैसे पीछे कोरोना आया कोरोना में कुछ रोजगार जो थे वो बले फले फूले उनमें एक था मेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटी ये लोगों ने वो क्या हाथ साफ करते थे सैनिटाइजर में जिसने नहीं भी कभी सुना उसने भी सैनिटाइजर खरीदा है घरों में कहां से आया हर एक कंपनी ने डिटोल ने सैनिटाइजर बना दिया ठीक है क्योंकि बिक रहा है लोग खरीद रहे हैं लोग जेबों में रख रहे हैं कि जहाँ पे भी हाथ साफ करने हैं सैनिटाइजर बने मास्क बने ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है स्ट्रक्चरल जनरेट हुई है मतलब कुछ रीजन के कारण कुछ पूरे उस सर्कल में मेडिकल फैसिलिटीज में डॉक्टरों को डिमांड ज्यादा बढ़ी किन की डिमांड कम हो गई प्रॉपर्टी सेल कम हो गई उसमें ठीक है प्रॉपर्टी सेल कम हो गई क्योंकि पीछे से पैसा नहीं आ रहा अब आगे कौन लेगा प्रॉपर्टी थोड़ा कम हुई और ठीक है ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो इफेक्ट कर गए बहुत से बिजनेस ठीक है एजुकेशन बंद हो गई एजुकेशन इफेक्ट करके गई एजुकेशन में ट्रेंड चेंज हो गए वो अब पहले जो ऑफलाइन थी अब ऑनलाइन शुरू हो गई नए स्कोप नए चले गए पर अब ऑनलाइन स्कोप पे जाने के लिए भी तो टेक्नोलॉजी अलग हो गई ना ठीक तो स्कूल्स को नए प्लेटफॉर्म जनरेट करने पड़ गए ठीक है इस तरह से तो ये जो है इसको हम स्ट्रक्चरल बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट कहते हैं जिसमें किसी वजह से जैसे भारत से जो ए, एक्सपोर्ट होना था जो चीज एक्सपोर्ट होनी थी वही बंद हो गई बैन हो गई कई बार अमेरिका है बैठा बैठा बैन लगा देता है इंडिया काम नहीं कर रहा जी उसके अकॉर्डिंग बैन लगा दिया तो फिर इस तरह से होता है फिर है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी की सारी अनएंप्लॉयमेंट है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे मैंने आपको कहा कि टेक्निक टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई पुरानी टेक्नोलॉजी वाले अनएम्प्लॉयड हो गए पुरानी टेक्नोलॉजी वाले आपको हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी पे चढ़ना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हो एक बहुत पुरानी ना पिक्चर थी नया दौर सुना होगा दिलीप कुमार सुना है नाम अब दलीप कुमार उसकी डेथ हो गई है दिलीप कुमार वेजंती माला और उसका गाना बड़ा मशहूर था उड़े जब जब जुल्फे तेरी ठीक है सुना है गाना ये तो आम मतलब आज तक ये गाना चल रहा है और एक उसमें और गाना था ये देश है वीर जवानों का अलबे स्कूलों में अभी भी चलता है अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो क्या कहना वो बड़ा मशहूर था उसमें ना स्टोरी थी उस वक्त के हालात की एक स्टोरी थी वो उन्होंने दिखाया कि वो था एक टांगे वाला टांगा चला रहा है बड़ी अच्छी उसका स्टेशन से लेता है सवारी उठाता है गांव में छोड़ के आता है इधर उधर छोड़ के आता है उसका काम अच्छा चल रहा है अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं आई बसें आ गई तो बस भरेगी और पूरी बस जाएगी अब लोगों में डर पैदा हो गया उसमें पिक्चर में दिखाया गया लोगों में डर पैदा हुआ कि यार नई टेक्नोलॉजी हम क्या करेंगे घोड़े क्या करेंगे ये क्या करेंगे हमारे तो दो दो टांगे डाल रखे थे तीन टांगे थे अब वो कहाँ पे जाएंगे अच्छा रोजगार चल रहा था तो डर है ना उस डर पे फिर वो क्या करते हैं कंपटीशन रख लेते हैं कि टांगे अच्छे हैं Yes, बसें अच्छी हैं तो बसों के लिए सड़क बनी होती है सड़कों के लिए बस तो सड़क पे जाना उसने तो कच्चे पे जाना नहीं है तो इनको अब वो घोड़ा है वो मशीन है तो उसमें घोड़ा और मशीन के बीच में लड़ाई दिखाई गई तो फिर उन्होंने एक सड़क बनाई कच्ची सड़क जो इजीली जाती हो तो उसमें से फिर वो रेस हुई बस की रेस हुई और उसकी रेस दिखाई दिखाया फिर भी वो बस कटांगे वाला जीत गया ठीक है इस तरह से फिर फिर लास्ट में उसमें कहा गया कि जो ठीक है टांगा तो जीता और लॉन्ग रन में मशीन जीतेगी अब कितनी कर लोगे घोड़ा तो घोड़ा ही है ना तो वो फिर उसके बाद वो खत्म हो गए टांगे खत्म हो गए टांगे वाले खत्म हो गए तो जिन्होंने स्विच किया नई टेक्नोलॉजी पे वो सरवाइव कर आपने देखा पुराने टाइम में पेंटिंग कितनी होती थी लोग पेंटिंग इवन जो पोस्टर भी बने जाते थे वो पेंटिंग से किए जाते तो जो पेंटर्स थे उनकी बड़ी वैल्यू होती थी आज की डेट में पेंटर है कोई आपको मिलेंगे लेक पे जाओगे वहां पे कुछ वो आपके स्केच बनाते हैं सौ रुपया लेते हैं और आपका स्केच आपकी फोटो बना देते हैं ठीक है जनरली अब तो हर एक आदमी के पास मोबाइल कैमरा है वो कैमरे में बड़े फिल्टर लगे हुए हैं जैसी मर्जी बनाते जाओ टेक्नोलॉजी चेंज होगी ना अब आपको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ठीक है तो ये टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि जब आप नई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पा रहे आप आउट हो गए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई वो टेक्निकल अनइंप्लॉयमेंट है पर गवर्नमेंट कह रही है फुल एम्प्लॉयमेंट दे रखी है हमने अब आप ही टेक्निकली वीक हो तो आप अपनी मर्जी से हो गए हो आप वॉलंटरली हो गए हो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कहती हमें क्या लेना देना यार अब पीछे जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था तो अब आप प्रॉफिट भी तो आप ही ले रहे थे अब जो है तो आप देखो ये तो हमारा तो कोई रोल नहीं है हमारी तरफ से फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आज का टॉपिक हम यहाँ खत्म करते हैं कल इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद फिर आ, जो आपकी जो है इसको खत्म करना है अपना इसमें हम लेंगे कि नाइन्थ और टेंथ तक की जितनी इकोनॉमिक्स है उसको हम कंसिडरेशन में लें कल हम मनी के बारे में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है मनी बजट क्या होता है बजट क्या होता है, ये बजटिंग क्या है फॉरन एड क्या है ये इस तरह से हमें सिर्फ इसमें एक लेक्चर और लगेगा हमें सिर्फ इसमें बेसिक समझना है कि क्या क्या चीजें हैं कि तो आप कोई आर्टिकल पढ़ो तो आपको समझ में आए ओके Okay, thank you. Thank you, students. काम नहीं सहनी ज्वाइन कर दिया साहिल <coughs> आ रही <डी> है भाई, <coughs> आगे। आगे भाई। <coughs> <coughs> आपका क्या चल रहा है अभी आपका गेट हो गया आपका <laughs> कैसा हुआ ज़्यादा ठीक नहीं टेक्निकल कैसा गया सत्तर नंबर का है ना हाँ मैं क्या टेक्निकल पेपर कैसा रहा आपका टेक्निकल में दस जो सत्तर नंबर का जो है ना सेवेंटी तो टेक्निकल ही थर्टी नंबर का नॉन टेक्निकल है कैसा रहा नॉन टेक्निकल।, टेक्निकल।, तो टेक्निकल मैथ पढ़ बिना अच्छा ठीक है एक्चुअल में जिसने नॉन टेक्निकल भी किया है ना थर्टी नंबर थर्टी में से अगर ट्वेंटी फाइव नंबर ले लेता है ना तो बिना टेक्निकल पढ़े उसका कई बार गेट क्वालिफाई होता है पर हम उसको ठीक से लेते नहीं हाँ जी आपका कैसा हुआ अभी कब है मैथ कर लेना वो भाई साहब का मैथ की वजह से डाउन है <laughs> एक एक बात ना आप गगन गगन ज्वाइन कर गई है अगर आपको आवाज आ रही है साहिल आप प्लीज गगन आप ना इसको ओके करो एक गुड मॉर्निंग लिख दो कुछ टाइप कर दो एक एक ना हमेशा याद रखना कोई भी एग्जाम हो कोई भी उसको हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर करके जाना कोई भी टॉपिक मिस मत करना समझ गई आगे से कोई भी एग्जाम हो कोई भी क्योंकि हम सोच लेते हैं कि यार मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स अगर आपने नहीं किया तो आपने तैयारी फिर क्या की उसको फिर आप नॉन सीरियसली टेस्टों को लेके चलोगे ना तो वो आपको कभी भी आगे नहीं लेके जाते टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली लेके चलो 100 परसेंट प्रिपेयर करो उसमें फिर मिस्टेक्स होती हैं तो फिर आप 90 पे कहीं पे आते हो पर आपने 70 परसेंट कर रखा है तो फिर 70 परसेंट में 50 पे जाओगे ना आप ठीक है इसलिए कभी भी कोई भी टेस्ट है कैसा भी टेस्ट है जो भी आप उसका हंड्रेड परसेंट सिलेबस उसको आप करो आ जाओ और जनरली जनरली होता ये है कि हम जो टफ पोर्शन है ना अखिल जो हमारा टफ पोर्शन होता है ना किसी भी टेस्ट का उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं देना भी चाहिए कि टफ पोर्शन हो जाए पर एक जो पोर्शन होता है जिसको सारे बच्चों के लिए इजी पोर्शन है आप इजी पोर्शन पे भी उतना ही ध्यान दो जितना टफ पे दे रहे हो टफ पे फिर चांस बन जाता है कि गलत होगा इजी पे तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है आप मार्क्स वहां पे खींचो ही खींचोगे ही ठीक है ये आप ध्यान रख के ना आगे चला करो इसको बड़े मतलब नॉन सीरियस आप ये समझो कि या तो तैयारी करो मत सिंपल आप पढ़ो ही ना इस पचड़े में क्या जॉब लेनी है क्या है कुछ भी जो और कर लो पर अगर आप पढ़ गए हो ना फिर आप सीरियसली पढ़ जाओ <laughs> कि लेनी है अब सीरियसली प्रिपरेशन करो सीरियस कैंडिडेट ही कुछ ना कुछ अक्वायर करते हैं नहीं तो अभी आप जैसे आपका एक साल हो गया ना जिस दिन तो घर वालों को टेंशन हो जाती है अब बच्चे का निकल नहीं रहा कैसा होगा कैसे क्या हो रहा क्या नहीं कर, कर भी रहा है या नहीं हमें तो बोलता है कि कर रहा हूं पता नहीं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता ये सारी जैसे ही आपकी मम्मी ने किसी दिन ना ताना मार दिया या आपके पापा ने ताना मार दिया आपकी पिछली सारे साल का जो मोटिवेशन थी खत्म हो जाएगी आप परेशान हो जाओगे क्योंकि एक मदर और फादर के जो घर पे जो ताना पड़ता है ना वो सबसे डेंजरस ताना होता है वो आपकी जो है ना पूरी की पूरी जो आपके माइंड को बनाया हुआ है थोड़ा कंट्रोल किया हुआ मोटिवेट किया हुआ है आपने वो सारा खत्म कर देता है इसलिए पेरेंट्स को भी वैसे तो चाहिए कि थोड़ा धीरज रखें पर उसमें एक स्टूडेंट का पार्ट होता है कि आपको अपने पेरेंट्स को शो करना होता है कि देखो मैं ये टेस्ट आ रहा हूँ इसमें इतने नंबर आ गए इसमें, इसमें थोड़ा सा रह गया और कर लेता तो पेरेंट्स थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं अदरवाइज ये खींचो तान सी कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी गलती होती है कि एकदम से हम बच्चे के ऊपर प्रेशराइज ना करें ठीक है बच्चा कर रहा है उसको अब कम्पिटिशन ही आगे इतना ज्यादा है पर बच्चे की तरफ से पार्ट ये है कि आप अपने मदर फादर को पूरी अपनी जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है पेपर की सारी समझा दिया करें कि इस बार इस तरह से हुआ टफ हुआ तो भी गलत हो गए तो भी कम नंबर आए तो भी आप बताओगे नेक्स्ट आप अपने आप निकालना शुरू कर दोगे हाँ जी लास्ट क्या था जी छुपी हुई बेरोजगारी हम कर रहे थे थी ना छुपी हुई बेरोजगारी थी छुपी हुई बेरोजगारी क्या होती है परमिंदर ज्यादा लोग काम करे जी दोनों के गुड मॉर्निंग आगे साहिल साहिल कहां पे हो घर पे हो हिमाचल या इधर ही हो चला गया अच्छा तो छुपी हुई बेरोजगारी होती है कि जब गवर्नमेंट कहती है कि आपको मिनिमम वेजेस इतने मिलेंगे आप कहते हो हमने नहीं लेने हमें तो ज्यादा चाहिए ठीक है तो गवर्नमेंट कहती है अब आप हमारी तरफ से अनएम्प्लॉयड नहीं हो आपको एम्प्लॉयमेंट गई आपने नहीं की आपकी गलती है या आपकी मर्जी है ठीक है इस तरह से ये जो टॉपिक चल रहा है ना इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स का टॉपिक सर हिमाचल में हूं ओके जो इसका जो टॉपिक चल रहा है ना इसको आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जाओगे क्योंकि हिस्ट्री पढ़ लेनी ज्योग्राफी पढ़ लेनी वो अलग बात है पर जो इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना इकोनॉमिक्स कोई पहले हमारे पास टर्म्स की समझ होनी चाहिए टर्म्स जैसे जैसे टर्म्स की समझ आएगी आप इसकी कोई न्यूज भी पढ़ोगे वो भी आप अच्छे से टैकल कर लोगे या फिर आपको क्वेश्चन आता तो आप आराम से उसको समझ लोगे तो फर्स्ट जो जरूरत है वो हमारी है कि हमें इसकी टेक्निकल टर्म्स जो हमारा फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट उसको आप समझ पाओ तो इसमें एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स में ये बड़ी टर्म ज्यादा यूज की जाती है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इसको हिंदी में क्या कहते हैं हां जी क्या कहते हैं इन्फ्लेशन मुद्रा सफीति आपने सुना होगा शायद हिंदी में अगर आप कहोगे मुद्रा फीती अब हिंदी में क्या मीनिंग बन जाता है इसका इंग्लिश में क्या बनता है इसको समझने की जरूरत है ठीक है मुद्रा सफीती या इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन का मतलब है बढ़ना जैसे हम गुब्बारे को कर, इन्फ्लेट करते हैं वहां पे जो वर्ड यूज करते हैं हवा भरी आपने तो गुब्बारा फैल गया तो उस तरह से बढ़ना या फैलना इसका अर्थ तो बेसिक यही है ठीक है तो सिंपल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक फुटबॉल की एग्जांपल समझ सकते हो फुटबॉल या गुब्बारे की एग्जांपल कि जब उसमें हम हवा भरते हैं तो उसमें इंक्रीज हो जाती है ठीक तो इस जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में है कि कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी अगर सैलरी लास्ट ईयर मान लीजिए लास्ट ईयर आपकी सैलरी थी ट्वेंटी टू थाउजेंड अब हो गई है ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो आपको कैसे पता लगे कि आप इंप्रूव कर रहे हो या डिक्रीज आप में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही उसको देखा जाता है सोने की कीमतें कितनी हैं आजकल क्या चल रही है फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्सटी वन थाउजेंड तो आप ऐसे ले लो कि मान लीजिए अभी जो है रुपीज सिक्सटी वन थाउजेंड का गोल्ड आता है एक तोला लास्ट ईयर कितना था फिफ्टी फोर समथिंग चलो हम रफ सा ले लेते हैं कि लास्ट टाइम था जी 55,000 था अप्रोक्सीमेटली इतना इन्हीं दिनों में लास्ट टाइम एक साल में ठीक है अब आप देखो कि आपकी सैलरी भी मैं थोड़ी इनक्रीज कर देता हूं अगर लास्ट टाइम आपकी 55,000 थी और अब 61,000 हो गई है तब आप कहोगे कि मेरी जो ग्रोथ यहां पे तो शो हो रही है कि आपको 6% परसेंट सिक्स का इंक्रीमेंट लग गया पर आपकी ग्रोथ नहीं हुई आप स्टेबल हो आप पहले भी एक तोला सोना खरीद सकते थे अपनी सैलरी में अब भी आप एक तोला ही खरीद रहे हो ठीक है दैट मीनस आप सोने की कीमत में अपनी इम्प्रूवमेंट या डिग्रेडेशन को चेक करोगे ठीक मान लीजिए आपकी पिछले साल तो थी 55,000 फाइव एक तोला ही खरीद पा रहे थे अगर अब आप 75,000 पे चले गए हो तो एक तोले से ऊपर आप सोना खरीदने लग गए हो इसका मतलब अब आप इंप्रूवमेंट में हो इसका मतलब अब आप इम्प्रूवमेंट में हो पर जनरली हम इस लिहाज से सोचते ही नहीं है हम इस लिहाज से नहीं सोचते हम सोचते हैं कि यार पहले चलो इतना था अब इनक्रीज हो गया हमें पता ही नहीं आप सोने की कीमतें पता है ना आप सोने की कीमत से अपनी अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन उसका अंदाजा लगाओ ठीक मुझे जी हायर पैकेज मिल रहा है उसको आप सोने में कन्वर्ट कर दो कि यहाँ पे मैं डेढ़ तोला सोना खरीद पाऊंगा और यहाँ पे अगर काम करूंगा दो तोले सोना है तो मैं इम्प्रूव कर गया हूँ इस तरह से अब पैसे में मत कंपेयर करो ठीक है अब इनफ्ले सॉरी इन्फ्लेशन की बातें हो रही हैं तो ये कंटिन्यूस जो है ना ये इनक्रीज होता चला जाता है कंटिन्यूस इंक्रीज होता है और इसको अगर हम अंदाजा लगाएं तो जब पहली पांच साल योजना थी फाइव ईयर प्लानिंग थी 1956 उस वक्त जो पेट्रोल था 1956 की बात कर रहे हैं पेट्रोल जो था उसकी कीमत कितनी होगी तो उन्होंने दी है एक रुपए का एक लीटर रुपीज वन पर लीटर और आजकल कितना है नहीं हंड्रेड लगा लो आप हंड्रेड ठीक है हंड्रेड टाइम्स चला गया है ठीक जब नाइनटीन सेवन में ये ट्वेंटी थ्री रुपीज का था पेट्रोल 90 ट्वेंटी थ्री थ्री पर लीटर था तब भी लोग बड़ा बोलते थे जी महंगा है महंगा है बोला करते थे ये ठीक है फिर ये कहता है कि 2012 में ये पेट्रोल चल जाके ऊपर पहुंच गया इसका 69 रुपीस हो गया पर लीटर और आज 2024 में रुपीस 98 ये पर लीटर चल रहा है 100 रुपीस चल रहा है तो ये इन्फ्लेशन हो रही है ये इनक्रीज हो रही है अच्छा 1956 में जो सोने की कीमत कितनी थी गोल्ड टेन ग्राम का हम लेंगे हां जी अंदाजा लगाओ कि कितनी होगी हां काम नहीं आप बताओ रुपीज हंड्रेड सौ रुपए का था तब भी लोग कहते थे महंगा है महंगा है महंगा है अब आपको समझ आएगी कि महंगाई उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में उतनी ही रहती है अब 2011-12 में ये जाके हो गया था कहते 33,000। 2012 में रुपीज 33,000 और 24 में ये आ गया रुपीज 61,000। ठीक है इसलिए आपने सुना है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप गोल्ड परचेज ना करो गोल्ड पे एक लिमिट के ज्यादा आप परचेज करके घर पे नहीं रख सकते बैंक में नहीं रख सकते वो क्यों चाहती है क्योंकि तो असल में गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जो सिक्योरिटी है और लोग भारत में क्या है एक ट्रेडिशन है कि गहने बना के रखते हैं गहने तो वो गहने जो घर में रखे हैं वो ए, आप जितने अब आज उसकी कॉस्ट अब साल बाद डेढ़ साल बाद उसकी कॉस्ट इनक्रीज होगी उस वक्त के हिसाब से ठीक है इसलिए गोल्ड को पर गोल्ड अब खरीद के आपने घर में रख लिया आपने जो पैसा था उसको दबा दिया गवर्नमेंट अब आप आपसे निकलवा नहीं सकती तो उसने कुछ रूल बनाया कि आप इससे ज्यादा गोल्ड नहीं कर सकते आप जितना कमाते हो उसको सर्कुलेशन में रखो सर्कुलेशन में गवर्नमेंट फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगी कुछ और करेगी तो वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है पर आपके इंडिविजुअल अपने लेवल पे आपके पास गोल्ड होना जरूरी है दूसरी बात होती है कि प्रॉपर्टी खरीदते हैं लोग प्रॉपर्टी भी इसीलिए खरीद ले रहे हैं ना कि अभी तो प्लॉट खरीद के रख लिया वो साल बाद दो साल बाद दस साल बाद इंक्रीज करके ही आगे जाएगी ठीक है दूसरी प्रॉपर्टी है आपको पता है कि पहले जो बाल्टर सिस्टम हुआ करता था आम सिस्टम था या फिर एक अशरफी सोने की अशरफी से उसको मैयर किया जाता था किसको ए, कोई भी आपने चीज लेनी है देनी है बाल्टर सिस्टम में किसान के पास पहले ढेर लगा हुआ है ढेर लगा हुआ है गेहूं का अब उसमें गेहूं में डुप्लीकेसी हो सकती है नहीं हो सकती गेहूं में डुप्लीकेसी नहीं हो सकती मान लीजिए उस वक्त जो भी रेट है उसने कुछ गेहूं दिया कपड़ा ले लिया बार्टर सिस्टम में हो गया तो इस तरह से चल रहा था ज्यादा से ज्यादा क्या एक अशरफी ले ली तो अशर्फी में भी डुप्लीकेसी नहीं है पर अब हमारे इस वक्त क्या है इस वक्त क्या है कि आप अगर गवर्नमेंट ने कुछ पैसा फ्लोट कराया है अभी पढ़ेंगे इसको भी फ्लोट कराया है मार्केट में उसमें कितने डुप्लीकेट नोट भी चल रहे हैं <laughs> उसमें डुप्लीकेट नोट भी चल रहे हैं, जिसका पता ही कुछ नहीं है पांच सौ का हमारे पास नोट आया ठीक है आजकल दो हजार बंद हो गया है ना दो हजार का जब नोट आता था ना आदमी सोचता था अब इसको निकालो पहले तो कहीं गलती से ये किसी ने कह दिया नकली बस क्योंकि खुद की खुद उसको पहचान ही ना सकते सीधा दो हजार रुपये का नुकसान है पांच सौ रुपए में भी बहुत से नकली नोट घूमते हैं डुप्लीकेसीज है गवर्नमेंट कितने छाप रही है कितने नहीं छाप रही हमें कुछ नहीं पता गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरत है ज्यादा नोट छाप दो महंगाई अपने बढ़ जाती है ठीक है महंगाई बढ़ती है इसलिए जो आज की इकोनॉमी है उसमें हम गरीब होते चले जाते हैं किसान गरीब होता पहले उसके पास गेहूं था तो वो गेहूं एक साल दो साल जब तक खराब नहीं होता तो उसकी कीमत थी पर अब अब गेहूं की जगह उसने पैसा इकट्ठा कर लिया अगर बैंक में नहीं है पैसा आपके ने घर पे रखा है तो आपके चांसेस है कि आपके अगर कुछ नोट नकली हैं और निकल जाते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है ठीक इस तरह से इसको ध्यान से समझना पर अब हम तो कर रहे हैं जो हमारा है इन्फ्लेशन तो इसको एक सूचक अंक कहते हैं उसमें दिखा दिखाया जाता है कि कितने परसेंट इनक्रीज हो गई है मुद्रा सूफी 2011 में 9 परसेंट थी ऐसे लिखा जाता है आप जब पढ़ोगे कि 9 परसेंट है अब जो बढ़ के जैसे कहा कि 2012 में 16 6.6 परसेंट आ गई इसका क्या मतलब होता है रेट जो है वो कम हो गया रेट बड़ा बड़ा तो है ही है पहले अगर 2100 में सॉरी 2010 में हंड्रेड रुपीज थी तो अब उसकी उसी चीज की कीमत 109 परसेंट हो गई है यही होगा ना इसका मतलब बड़ा सिंपल से सिंपल से लैंग्वेज में हम समझें कि 2010 में जो चीज हमें सौ रुपये की मिलनी थी अब वो 2011 में एक सौ रुपए की मिलेगी ठीक है एक सौ रुपए की मिलेगी अब अब आगे जो मिलेगी वो एक सौ नौ परसेंट साढे छे परसेंट और कर लो ठीक है जो दो हजार सौ में हन, में सौ रुपए की थी वो अब एक सौ छह रुपए की मिलेगी इस तरह से पर इसमें ज्यादा इंक्रीज हुआ था महंगाई एकदम से बड़ी थी यहां पे थोड़ा सा कम हो गया था रेट कम इंक्रीज हुआ इसलिए गवर्नमेंट दिखाती है जी देखो जी हमारा सूचकांक इतना ड्रॉप कर गया है तो साल में जहां पे भी ड्रॉप हुआ उसको फिर शो किया जाता है कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया कुछ वो पॉलिसीज बनाते हैं भी किसी तरह से इसको कंट्रोल किया जाए ओके अब इसके कारण क्या हो सकते हैं महंगाई क्यों होती है महंगाई का एक कारण है कि उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई है सप्लाई कम है इसलिए महंगाई ज्यादा होगी सो यहां पे हम लिखेंगे कि डिमांड अगर ज्यादा हो जाए डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो महंगाई हो जाएगी ठीक है तो नोट ज्यादा छाप दो नोट ज्यादा छाप दिए तो क्या हो गया अब लोगों के पास नोट ज्यादा आ गए अब सभी डिमांड क्योंकि अगर पैसा आ गया तो सभी मार्केट में जाएंगे कि हमें और खरीदना और खरीदना है तो सप्लाई उतनी नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो सप्लायर्स हैं वो इंक्रीज कर देंगे प्राइस इंक्रीज होता चला जाएगा ठीक है तो ये इकोनॉमिक्स को समझने की बातें हैं अब इसमें सप्लाई ऑफ मनी दूसरी बात हम करेंगे मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति समझ गए आप इन्फ्लेशन तो अब सप्लाई ऑफ मनी पैसा कहाँ से सप्लाई होता है कौन करता है सप्लाई ऑफ मनी इसको हम समझेंगे पैसे का जो मुद्रा की पूर्ति मुद्रा पैसे सिक्के रुपीज को मुद्रा बोलते हैं कैसे सप्लाई होती है इसका मतलब होता है जब मनी का मतलब है एक मनी जब मनी बोला जाएगा इकोनॉमिक्स में जितना जनता के पास है लोगों के पास है तो लोगों के पास जितनी भी करंसी है तो करंसी विद पीपल ये मार्केट में चल रही है प्लस जितना बैंकों के पास है मनी विद बैंक बैंक्स में है दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल पैसा इतना फ्लोट हो रहा है ठीक है लोगों के पास कितना है तो लोगों के पास तो जो है वो तो बैंक को नहीं ना पता पर बैंक में जितना जमा कर रखा है वो भी अगर जोड़ दिया जाए तो इसमें इस तरह से आप कहोगे कि ये टोटल इसकी मुद्रा की पूर्ति इस तरह से होती है सो so, अब मुद्रा की पूर्ति का मतलब है गैर बैंकिंग जनता बैंकों के अलावा जितनी भी उनके पास करेंसी है या उसकी डिमांड है उसको हम इसको करते हैं अब ये कौन सप्लाई करता है ठीक है इसमें अब ध्यान से देना कि करंसी की बात हो रही है अब करंसी आजकल कर हम डिजिटल युग में आ गए हैं डिजिटल युग के में आप पेमेंट कर रहे हो छोटी सी छोटी दस रुपए की भी पेमेंट जो है अब ऑनलाइन पेमेंट होने लग गई है तो इसका फायदा क्या है इसमें डुप्लीकेसी जो है वो खत्म हो गई है इसमें डुप्लीकेसी ठीक इसमें गवर्नमेंट का नियंत्रण जो है आपकी जो दस रुपए की भी अगर ट्रांजैक्शन हो रही है उसके ऊपर आ गया है उसके ऊपर आ गया है बड़ी ट्रांजैक्शंस जो हैं अब इसमें ब्लैक मनी जिसको कहते हैं कि ब्लैक मनी ब्लैक मनी अब इसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका कि आप करेंसी डिजिटलाइजेशन कर दो गवर्नमेंट को पक्का पता है कि इतने पैसे हैं इतने खर्च किए जा रहे हैं बैंकों में कितने हैं पर फिर भी कुछ ना कुछ मनी तो फ्लोट करती ही है ना जो आपकी जेब में है ठीक डिजिटलाइजेशन ने उसको रिड्यूस कर दिया है उसको अब रिड्यूस कर दिया है आप जब जेब में लेके भी चलते हो आप थोड़ा सा कैश लेके चलते हो बाकी आप ऑनलाइन ही आप कहते हो कि ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे ऐसा ही है ना ठीक तो थोड़ा सा ही कैश आप लेके चलते हो अब जनरली बहुत छोटी जो छोटी छोटी चीजों के लिए ही कैश पेमेंट की जाती है जनरली बड़ी चीजों के लिए आप सभी जो ट्रेंड ही चेंज हो गए हैं कि डिजिटलाइजेशन से होना शुरू हो गया है तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंसी करंसी में कौन कौन से नोट चल रहे हैं करंसी नोट कौन कौन से आ रहे हैं सबसे छोटा सिक्का कौन सा आ रहा है एक रुपए का इससे छोटा आ रहा है फिफ्टी पहले फिफ्टी का आता पैसे का आता था दूसरा इससे बड़ी करंसी कौन सी आ रही है इस वक्त पांच रुपए की दो की आ रही है उसके बाद पांच फिर दस फिर ट्वेंटी और फिर फिफ्टी फिर रुपीज हंड्रेड और फिर रुपीज दो हंड्रेड टू हंड्रेड का भी आ गया है इसके बाद फाइव हंड्रेड ठीक है तो जब पैसे पिछली करेंसी बंद हुई थी ठीक है तो उसमें कुछ किया गया था कि ये हम बड़े नोट क्यों नहीं रखते हैं बड़े नोट क्यों नहीं इश्यू कर दी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए नोटबंदी में 2000 का शुरू किया था बाद में कुछ साल चला के 2000 के नोट बंद हो गए तो बड़े नोट से गवर्नमेंट को या किसी इकोनॉमी को क्या इफेक्ट पड़ता है आइडिया होगा इसको ब्लैक मनी जो घर पे रखी जाती है जो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको दो हजार रुपए के नोट से अगर आप ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हो तो आप थोड़ी सी स्पेस में ही उसको आप रख लेते हो छुपा लेते हो पर उतनी आपको पांच सौ रुपये में लगभग आपको चार गुना ज्यादा स्पेस चाहिए चार गुना ज्यादा स्पेस चाहिए पर हाँ यह अलग वहा था जिसने ब्लैक मनी रखनी है उसने रख ही लेनी है वो 500 में रख लेगा बड़ी स्पेस में रख लेगा पर फिर भी अगर जितना बड़ा नोट होगा उसको रखना आराम से सेफ कर रखना उनके लिए जो ब्लैक मनी रखते हैं तो इजी हो जाता है अब कौन करंसी जमा करता है सॉरी ये कौन इश्यू करता है भारत की तरफ से एक बॉडी है दैट इज आर बी आई आर बी आई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लगभग ये डाटा अब बुक में थोड़ा पुराना हो जाता है कई बार 200 करोड़ रुपए का सोना रुपीस गोल्ड रख के गोल्ड रख के या इतनी ही फॉन करेंसी रख के इतनी लेवल की फॉन करेंसी रख के ये कुछ भी कितनी भी करेंसी छाप सकती है फॉरन करेंसी ठीक है अगर आपके पास सोना है यहां पे भी आया ना गवर्नमेंट को भी सोना दिखाना पड़ता है सोना रख के 200 करोड़ रुपए का तो अगर इसके पास है तो उसके बिहाफ पे ये करंसी नोट इशू कर देती है अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नोट इशू कर दे सोना तो 200 करोड़ का कर ही है या कम नोट इशू कर दे ये भी तो हो सकता है ना तो कहां पे कैसे डिसाइड किया जाता है कि कितना करना है वो डिपेंड करता है अगर ज्यादा आप सोना इशू नोट इशू कर दोगे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी ठीक है तो दो सौ रुपये में आपने पांच पांच सौ के बहुत सारे नोट इशू कर दिए हैं जितने नहीं चाहिए थे पर अब लोगों के पास चले गए डिमांड बढ़ गई है तो अपने आप ही कीमतें बढ़ गई हैं ठीक किसी कंट्री में पचास हजार रुपए का भी एक नोट है मतलब उनकी करेंसी में तो जितना मर्जी बड़ा नोट इशू कर दो पर आपको अपनी इकोनॉमी में देख के कि आपका इन्फ्लेशन रेट कितना देना है उस हिसाब से आपको ये नोट इशू करने पड़ते हैं इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहते हैं आपके पास 200 करोड़ रुपए का सोना है हाँ जी है तो आप इसके बिहाफ पे जितने इशू करोगे ना उसका आपकी ही आपके ही देश की इकोनॉमी पे फर्क आएगा आपकी ही देश की इकोनॉमी पे फर्क आएगा इसलिए आप ध्यान से करो जितने आप गोल्ड के हिसाब से करोगे उससे तो इसलिए क्या होता है कि जो फॉरन करेंसी में कौन कौन सी करेंसी है डॉलर ही है ना या पाउंड है इस वक्त डॉलर कितने रेट का चल रहा है 84, 85, चलो 85 लगा लो एक डॉलर जो है आप बहुत ज्यादा करेंसी इशू कर दोगे फिर क्या हो जाएगा वो डॉलर जो डॉलर है वो ऊपर से डेढ़ सौ रुपए तक चला डेढ़ सौ डॉलर एक डॉलर डेढ़ सौ रुपए का हो जाएगा ठीक है समझ गई आप अननेसेसरी बहुत सारे पैसे इशू रुपीज करेंसी इशू नहीं कर सकते अदरवाइज गवर्नमेंट को क्या छाप नहीं है <laughs> छापने में तो कोई वो नहीं ना लगता है गवर्नमेंट ने आरबीआई ने छाप के दे दिए और जितने मर्जी छापते चले जाओ ठीक पर इंटरनेशनल में उस जो आप ज्यादा छाप दोगे तो उससे गोल्ड की कीमत के ऊपर फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क पड़ता है जो हमारा जो प्राइस है ना जो प्राइस 85 तक चला गया ये अब आप समझो हमारा एक रुपया एक डॉलर का क्यों नहीं है कभी आया क्वेश्चन हम आपके माइंड में कि इतनी बराबर होनी चाहिए ना एक रुपया एक डॉलर के बराबर ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा जो पैसा क्योंकि उस वक्त तो ब्रिटिश कंट्रोल था हमारे वैल्यू बहुत ज्यादा थी पैसे की एक रुपये की वैल्यू ज्यादा थी ठीक है अब आप ये आपके माइंड में आया नहीं कि अब जो है मान लीजिए एट्टी रुपीज का एक डॉलर आप ले रहे हो क्या मतलब है एक रुपए का एक डॉलर क्यों नहीं है इतनी कीमत की है? कैसे हां जी इसको सोचोगे ना तब आपको थोड़े इकोनॉमी पता लगेगी होता क्या है आजादी के बाद से आजादी के बाद से गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा पैसे छापती चली जाती है <laughs> खर्चे पूरे करने हैं ना तनख्वाहें देनी है तनख्वाह देनी है कुछ प्रोजेक्ट लगाए खर्चे पूरे अब देश में ही है अब देश के लिए वो क्या करते हैं कुछ एक्स्ट्रा करेंसी फ्लो करा दी एक्स्ट्रा करेंसी जब वो फ्लो हुई तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो गया और ये इंक्रीज होता होता इतनी मतलब एक्स्ट्रा कर दिया इन्होंने कि अब एक डॉलर जो है अस्सी रुपए का पड़ने लग गया ठीक है समझ लगी? आप अपने घर पे दूध पीते हो जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो दूध तो उतना ही है अब कई बार क्या होता है कि अगर आपके घर में तंगी है तो दूध कम लेना है अब बच्चे को भी देना है तो क्या करोगे इन्फ्लेशन और पानी डाल देंगे <laughs> ये पानी डाला हुआ है ठीक है अब पानी डाल दोगे अब पानी डालने से क्या होगा उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू थोड़ो इनक्रीज हो रही है वो एक पूरा गर्म पानी पी रहा है बच्चा पी रहा है तो अब आपको उसको 10 साल बाद कहो कि अब ये यार पहलवान तो बन नजर नहीं आ रहा वो भाई जैसा दूध पिलाया आपने वैसा नजर आ रहा है ठीक है समझ लग गई ये हमारे इसको कहते छुपी हुई बातें हैं हमें नहीं पता लगता पर कुछ प्रेशर तो है इंटरनेशनल प्रेशर होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है गवर्नमेंट बहुत कुछ ऊपर नीचे कर जाती है तो उससे हमें पता नहीं चलता आम जनता कहती है ठीक है डॉलर ज्यादा का है तो ज्यादा है तो ठीक है जी तो ये अच्छा दूसरा अब बैंक में जो डिपॉजिट है वो कितने तरह के होते हैं कुछ बैंक डिपॉजिट्स भी पड़े हैं ना बैंक डिपॉजिट्स ये भी हमें पता होना चाहिए बैंक डिपॉजिट दूसरे हैं एक तो होते हैं टाइम डिपॉजिट आप जमा करवा के आए हो आपने आरडी ले ली है दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स टाइम डिपॉजिट्स में आपने एक एफडी करवा दी है साल की तो उसके ऊपर कुछ आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा आपने आरडी करवा ली है तो हर मंथ आप आरडी डी दो दो हजार पे तीन तीन हजार या दस दस हजार की कुछ भी तो छ महीने तक आप निकाल नहीं सकते छह महीने में उस पर इंटरेस्ट पड़ जाएगा कुछ ठीक डिमांड डिपॉजिट है कि आपने बैंक में कुछ भी जमा करवाया अब आप कभी भी निकल जैसे भी डिमांड करोगे बैंक दे देगा ठीक है तो उसमें कुछ टाइम लिमिट का नहीं है तो इस तरह से दो तरह के जो बैंक में डिपॉजिट्स आ जाते हैं तो ये दोनों ही इसमें टोटल जो मनी फ्लोट हो रही है उसमें काउंट होते हैं ये दोनों और ये करेंसी टोटल मनी सप्लाई जो होती है उस तरह से होगी अच्छा जी अब अभी क्या पेश किया था गवर्नमेंट ने बजट बजट क्या होता है बजट क्या होता है गवर्नमेंट बजट सरकारी बजट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको हम समझेंगे तो आराम से इसको हम कर सकते हैं तो कौन सी डेट को बजट पेश किया गया था फ़रवरी को ठीक है तो बजट फेबररी में पेश कर दिया तो इसमें कमिंग ईयर जो मतलब नेक्स्ट ईयर का बजट करते हैं ना तो उसमें कितनी प्रपोज्ड इनकम कितनी है इनकम और प्रपोस्ट एक्सपेंडिचर कितने हैं ये है। ये दो चीजें शो की जाती हैं आने वाला जो साल साल है उसमें एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कितना भी हमारे पास इतनी इनकम जनरेट हो जाएगी और कितने एक्सपेंडिचर करने हैं इस तरह से ये दो चीजें इनको हम करते हैं तो अगर हमारे प्रपोस्ट इनकम इसको हम पी आई लिख लें और इसको एक्सपेंडिचर को पीई लिख लें अगर हमारा जितना हमने एक्सपेक्ट किया है कि इतनी इनकम होगी और उसके इक्वल हमने खर्चे कर दिए हैं परपोस्ट तो ये हमारा बैलेंस्ड बजट होता है इस बजट को कहेंगे बैलेंस्ड बजट इस बार गवर्नमेंट ने कौन सा बजट पेश किया है बैलेंस्ड किया है आने वाले साल में आपके जितने खर्चे हैं और उतनी ही कीमत जो वो बैलेंस्ड बजट हो जाते हैं फिर ये कि अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी ये प्रपोज कर दिया कि इस साल हमारी खर्चे कम है तो उसको हम कहेंगे सरप्लस बजट उसको कहते हैं सरप्लस बजट अब ठीक अगर आपकी इनकम कम होगी पर आपके खर्चे ज्यादा हैं फिर आपका डेफिशिट बजट आता डेफिशिट बजट गवर्नमेंट कौन सा बजट पेश करती है डेफिशिट करती है आप भी क्या करते हो जब घर में ठीक है आपके पापा बताते हैं कि अगर वो ये बता दे कि सरप्लस बजट है जी हमारा आप फिर क्या है कामनी ने पापा से डिमांड इंक्रीज कर देनी है खर्चे जी पैसा आ रहा है ना तो फिर अच्छे अच्छे मतलब जो ब्रांड जो नॉर्मल कपड़े लेने थे अब ब्रांडेड पे चले जाओगे नहीं जी सरप्लस आना है ठीक है तो डिमांड सरप्लस सरप्लस का मतलब है लोगों की एक्सपेक्टेशन सब बढ़ जाएगी कि पैसा है ठीक है पैसा है तो गवर्नमेंट पहले ही पापा क्या करते हैं डेफिश शो करते हैं भी ये भी तो देना ये भी है ये भी खर्चे पड़े हैं ये भी खर्चे पड़े हैं तो बाकीयों में फिर अब खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी तब जाके काम चलेगा ठीक है अब आपको समझ लगी ना आप पहले ही बता दोगे कि आपके पास सरप्लस है ठीक है थीक? तो आपसे छीनने वाले आ जाएंगे ठीक आप पहले ही बता दोगे कि डेफिशिट है तो वो दूर रहेंगे कहीं मांग ना ले <laughs> वो दूर रहे कि कहीं मांग ना ले क्या करें अच्छा अब आप बता सकते हो कि जो गवर्नमेंट को इनकम्स हो रही हैं वो कहां से हो रही हैं टैक्सेस हैं इनकम टैक्स है आईटी जिसको बोला जाता है और रेवेन्यू जनरेट कर रही है ठीक है और क्या हो सकता है इसको जो प्रोडक्शन है उनके ऊपर टैक्स है आपको इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट कहीं जनरेट होता है इनकम आपने कोई जैसे गवर्नमेंट ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना उसको इस तरह से आप जहां से आपको लगता है कि कुछ भी इनकम हो रही है दैट इज इनकम ठीक आप गवर्नमेंट को वैट देते हो वैट क्या होता है एडेड टैक्स ठीक है तो आप सौ रुपए की चीज ली वैट पड़ गया तीस रुपए का तो कितना हो गया एक सौ तीस रुपए आपकी पेमेंट है? चली गई ठीक है तो वैट है इनकम टैक्स भी देते हो आप आपकी जितनी साल की इनकम जनरेट हुई है उसके ऊपर आप कुछ टैक्स भी देते हो गवर्नमेंट को इंडस्ट्री टैक्स देती है ठीक है इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं एक्सपोर्ट है उसके ऊपर टैक्सेस जनरेट होता है तो इन सभी टैक्सेस के से जो इनकम बनेगी दैट इज आपकी जो भी गवर्नमेंट की इनकम है वो काउंट हो जाती है अब आप खर्च कहां पे करते हो जो नेशनल सिक्योरिटी है कहां पे आपको फोर्सेस पे खर्च करना पड़ता है पुलिस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस वो सभी पे खर्च कर क्योंकि वो तो कुछ प्रोड्यूस नहीं ना कर रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा आप और कहा पे एडमिनिस्ट्रेशन पे एडमिनिस्ट्रेशन पे दफ्तरों में वहाँ पे आप खर्च करोगे एजुकेशन पे मेडिकल फैसिलिटीज या सोशल स्कीम्स हैं जो सोशल स्कीम्स ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो करते हैं सोशल स्कीम्स हैं और रूरल डेवलपमेंट तो यहां पे और भी ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं ठीक है तो गवर्नमेंट उनके हिसाब से फिर अपना देखती है कि ये खर्चे पूरे करने के लिए हमारे पास इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी तो किस तरह से करना है अब पंजाब गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट तनख्वाह कई बार दो महीने लेट करती है तो कैसे करती है फिर वो मैनेज पैसा तो है नहीं ठीक है तो पीछे था आया कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्कॉलरशिप स्कीम में कुछ पैसा आया उसने रोक लिया तनख्वाह दे दी फिर पैसे आए स्कॉलरशिप स्कीम रिलीज कर दी इस तरह से ऊपर नीचे करके घरों में भी ऐसी करते हैं ना घरों में भी ऐसी करते हैं तो सेम गवर्नमेंट भी इसी तरह से करती है इधर का खर्चा रोक के उधर का दे दिया उधर का खर्चा के इधर का दे दिया आप पीछे करते करते चलता जाता है काम ठीक तो इस साल का आप इस बार ना देखना कि गवर्नमेंट ने कौन सा बजट पेश किया है डेफिशट पेश किया है या सरप्लस किया है डेफिशट ही पेश किया जाता है ओके तो अब डेफिशट फाइनेंसिंग वट इज डेफिशियट फाइनेंसिंग इसको इससे समझो कि आपने घर पे एक मकान का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है जिसमें बीस लाख रुपये लगने हैं बीस लाख रुपये पर आपने जो अपनी सब इनकम देख के सोर्स देख के निकाला कि पंद्रह लाख रुपए हम इकट्ठा कर पा रहे हैं पांच लाख रुपए हमारे पास डेफिशिएट हैं कम है अब उसको कहाँ से लेके आना वो जो कम पैसे हैं उनको कहाँ से लाना तो फाइनेंस कराते हो ना आप सो दैट इज फाइनेंशिंग इसी तरह से गवर्नमेंट देखती है कि मेरा इतने खर्चे हैं और इतनी मेरे को इनकम होनी है और मेरी इनकम कम हो रही है अब वो कम इनकम जो जितना भी बचा है उसको कहाँ से लेके आना खर्चे तो पूरे करने हैं ना नेक्स्ट ईयर तो उसको कहाँ से पूरा करना है दैट इज डेफिशियट फाइनेंसिंग होती है ठीक है तो इसको कैसे पूरा करते हैं इसको पूरा करने के लिए ये एक सेंट्रल बैंक के पास जाती है गवर्नमेंट तो इसमें अब क्या हो गया कि सेंट्रल बैंक के पास हमारी जो इनकम है जी वो कम है हमें एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं तो कितना पैसा चाहिए जी जितने हमारे एक्सपेंडिचर हैं उनमें से ये आप क्या करो सेंट्रल बैंक के पास चले जाओ तो हमारा सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक कौन सा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके पास चले जाओ वो कहते हैं कि आप कैसे करोगे इसको ये गवर्नमेंट कुछ इसके पास सिक्योरिटीज रखती है सिक्योरिटीज अब नया वर्ड आया है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज क्या है जैसे आपके पास सिक्योरिटी क्या होती है आपके पास एक एफडी थी आपने बैंक के पास रख दी कि ये आपके पास गिरवी रख दी है तो जब हम देंगे तो अब आप कर लेना गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं या फिर गोल्ड है गोल्ड को गोल्ड रखेगी और इतनी सिक्योरिटीज आ गई तो हमारी जो सेंट्रल बैंक है ये नए नोट छाप देगी प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स करंसी ऐसा तो नहीं है कि वो बिना कुछ लिए बिना किसी उसके ऊपर करंसी छाप देगी अब गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का बैंक है तो वो कुछ भी कर सकता है पर नहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना पड़ता है उनको पता होता है कि इसके एवज में हमें कुछ सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने रख दी है हमारे पास अब हम उस पर कुछ नोट छापेंगे तो इससे क्या होता है एक तो क्या होगा इन्फ्लेशन के मामले में क्या होगा अगर आपने गोल्ड वगैरह कुछ नहीं रखा है तो आपने नोट छाप तो इन्फ्लेशन की संभावना भी बढ़ गई कि अब कीमतें बढ़ेंगी ठीक है पर गवर्नमेंट कहती है कि कर दो तनख्वाहें तो चली जाएंगी, देखते हैं लोग अपना खर्चा अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं लोग जो है वो अपने खर्चे को अपने आप एडजस्ट करते चले जाते हैं प्याज महंगा हो जाएगा क्या हो जाएगा कोई मर जाएगा नहीं कोई नहीं मरता क्या होगा ठीक है जो आप सलाद काट काट के खा रहे थे वो बंद कर दोगे आधे प्याज के साथ तड़का लगा लोगे चलेगा फिर भी काम उतना ही ठीक है तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट इतनी वो नहीं लेती वो कहती है तंगी आई है तो ओवरऑल ही सारे देश को तंगी है तो सारा देश ही थोड़ी थोड़ी इसमें भुगतान करेगा ठीक है तो इसमें जो जब सप्लाई ऑफ नोट्स ज्यादा होती है तो उनके इन्फ्लेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं तो जो ये, है, ये एक तरीका है गवर्नमेंट का कि इस तरह से हम भी पूरा करेंगे ठीक है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि ये उनका काम ही ये है फाइनेंस के साथ के जितने भी लगे हैं कि जितना कम हो रहा है उसको कैसे पूरा करवाया जाए नोट कहां से छपवाए जाए कितनी महंगाई होगी बहुत ज्यादा महंगाई होगी तो फिर क्या होगा शोर मचेगा तो कौन सी चीजों को महंगा होने दें सिलेंडर है पेट्रोल है ठीक है ये महंगा होने दें या कुछ चीजें ऐसी हैं अब जैसे उन्होंने कहा कि जी रेफ्रिजरेटर्स हैं ए सी है इसको महंगा कर दो तो लोग क्या करेंगे ठीक है बिना ए सी के गर्मी में निकाल लेंगे ठीक पर वो कहते हैं नहीं पेट्रोल को महंगा कर दो पेट्रोल तो सभी को चाहिए डीजल सभी को चाहिए तो वो सब पे इफेक्ट होता है फिर ठीक वो क्या होता है सब सब पे इफेक्ट होगा पर अब पेट्रोल तो खरीदना ही खरीदना है चीनी है आटा है महंगा कर दो तो ये तो सभी के ऊपर इफेक्ट आएगा पर फिर इससे क्या होता है कि अगर आप आटा चाल दावल इसको ही महंगा कर दोगे तो फिर लोग भड़क जाते हैं फिर बोटे भी तो चाहिए आपको ठीक <laughs> है प्याज महंगा हो गया एक बार प्याज महंगा हो गया था शायद बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी पर अब प्याज महंगा हो जाता लोगों को आदत पड़ गई है कि इस मौसम में सौ रुपए का प्याज जाएगा ही जाएगा, जाएगा तो थोड़ा कम खा लेंगे अब थोड़ा यूज टू हो गए हैं लोग यूज टू हो गए हैं ठीक पर फिर भी इफेक्ट तो पड़ता ही है ना तो कैसे करते हैं तो बहुत सारे मतलब फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उन्होंने कैलकुलेट किया होता है उन्होंने किया होता है कि कितना इंक्रीज करना है जी फाइनेंस मिनिस्टर के पास बहुत बड़े अच्छे अच्छे फाइनेंस एडवाइस करने वाले लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि दस रुपये इंक्रीज करना पड़ना था ठीक है तो वो करते हैं एक सौ दस रुपए की जगह मतलब मान लीजिए सौ रुपये का चल रहा है जी एक सौ दस करना पड़ेगा एक सौ पंद्रह कर दो <laughs> एक सौ पंद्रह में कुछ दिन निकाल लो लोग शोर मचाएंगे पर तब तक कुछ ना कुछ तो पेट्रोल एक सौ पंद्रह का जाएगा ही जाने दो ठीक है फिर जब ज्यादा शोर मचेगा तो फिर आप ऐसा करना पांच रुपए कम कर देना गवर्नमेंट ने आपकी फेवर में पांच रुपए कम कर दिया एक सौ दस हो गया ठीक <laughs> है तो गवर्नमेंट के पास बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं क्योंकि उसने ओवरऑल खर्चे चलाने हैं और अपना वोट बैंक भी जो है क्योंकि आप वोट नहीं डालोगे उसको वो भी उन्होंने बचाना है सारा कुछ करना है ठीक तो पीछे पेट्रोल महंगा हो गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये अब ये तो ऐसे ही चलेगा अगर स्टेट वालों को ज्यादा जरूरत है तो पंजाब वाले जो अपना टैक्स लगाते हैं वो कम कर दें दो चार पे सस्ता हो जाएगा ठीक है करते रहो ठीक अब एजिटेशन से जो है ना गवर्नमेंट ने जनता को यूज टू करवा दिया है यूज टू हो गया है क्योंकि अब इतनी ऊपर नीचे प्राइजेस जाते हैं तो वो यूज टू हो गए हैं ठीक है यूज टू होने से क्या है कि चलता है फिर वो चलता है पर इसमें अगर हम कहें कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल होता है नहीं बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं इंटरनेशनल मार्केट है वो ठीक पीछे कोरोना था तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट को उसने इफेक्ट किया है इसी तरह से अभी भी जितनी भी सिचुएशंस हैं इंटरनेशनल मार्केट इफेक्ट करती है पर आपको क्या चाहिए आपको अपने लेवल पे अपने लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंस की ठीक है जिन लोगों को फाइनेंस की समझ ज्यादा होती है वो उतनी जल्दी ज्यादा पेपर क्लियर कर पाते हैं ऐसा होता है जिनको फाइनेंस की समझ ज्यादा है ना क्योंकि आप कुछ अपनी तैयारी में इन्वेस्ट कर रहे हो आप अपने मदर फादर का पेरेंट्स का कुछ पैसा भी तो इन्वेस्ट हो रहा है आप अगर मान लीजिए हिमाचल से इधर आके बैठे हो आप खाना पीना सारा कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है ना आपकी कोचिंग है आपके और बहुत सारे खर्चे हैं जो इन्वेस्ट ही हो रहे हैं फिर आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो कर रहे हो ना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आपको इस चीज की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं है समझ नहीं है तो आप दो साल तैयारी करते रहो <laughs> दो साल करते रहो आपको पीछे से पैसा आ जाएगा ठीक है आप खाते रहो पीते रहो ठीक है अगर इसीलिए फिर आपके पापा मम्मी ताना मारते हैं ना कि खर्चा हो रहा है खर्चा हो रहा है खर्चा हो रहा है ठीक तो किसी लेवल पे वो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इतना खर्चा हो रहा है कितनी एक तैयारी में कितना खर्चा होगा और हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही है पैसे लग रहे हैं रिजल्ट अगर आएंगे उनको लगता है कि कुछ रिजल्ट आ रहे हैं ठीक है तो वो और भी इन्वेस्ट कर देंगे पर अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर मुश्किल हो जाती है इसलिए जो लोग जो स्टूडेंट्स ना इसको एज एन इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं ठीक है ग्राउंड पे पे ना फाइनेंस ये इतना जबरदस्त एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि बच्चा ज्यादा पढ़ता है उन जिसका पता होता है कि ये जो पैसा मेरे घर पे आया ना ये बड़ी मुश्किल से आया है ठीक है आपने देखा है कोई ऐसे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हो वो उनके बच्चे आई की एग्जाम पेपर देते हो ना <laughs> उनका सरप्लस है सब कुछ क्या आ रहा है सरप्लस है वो पेपर पढ़ ही नहीं पाते वो नहीं पेपर पढ़ पाते क्यों पैसा ही आ रहा है ठीक है तो वो लोग जनरली जितनी ऐशो इशरत है वो बच्चे करते हैं सारे नहीं कर पाते ठीक है उनके फिर अब आप वो तो सीधा यही होता है कि यहाँ पे करना है बाद में कनाडा जाना है वहां देखेंगे क्या करना है तो वहां पे इस तरह से चलते हैं उनकी बातें इस तरह से होती हैं पर जो आप एग्जाम देते हो वो डेफिश बजट में ही होता है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप तैयारी करनी शुरू कर दोगे ठीक है समझ लग गई वो बच्चे करते हैं वो बच्चे जिनके जिनको पता होता है कि ये जो मैंने जॉब है जैसे एक आईबी का पेपर आया था तो जी उसमें लगभग ये कहा जाता है कि जो जून पढ़ लेगा वो जून तक जून में उसके अकाउंट में सैलरी आएगी एट्टी थाउजेंड रुपीज अब एक एटी थाउजेंड तो ऑफिसर रैंक पे सैलरी है ना तो अच्छी सैलरी है तो अब एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो गया बच्चे के लिए कि मुझे तीन महीने चार महीने इतना पढ़ना है कि मैं पेपर क्लियर कर जाऊं तो अभी पेपर हुआ ना ये ठीक है मोटिवेटिंग फैक्टर इस तरह से बनता है कि मैं जो जॉब ले रही हूं उसका सपना मेरे दिमाग पे आना चाहिए आप सैलरी कितनी है उसमें वो चाहे सैलरी को एक्सपेक्ट तो करो इमेजिन तो करो अपने अकाउंट में देखो तो सही अस्सी हजार रुपया आ गया है आपके अकाउंट में तो मोटिवेशन बन लिया ना कि एक बार आ गया बस फिर तो हर मंथ कुछ ना कुछ आएगा इसलिए इस तरह से ठीक आपने ऐसा नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो पैसा तो लगता ही है आप दूसरी शहर में रह रहे हो पैसा लगता है और बहुत सारे खर्चे हैं सारा कुछ होता है पर रिजल्ट ओरिएंटेड तब बनते हो जब आप उस पैसे को वैल्यू करते हो कि ये वैल्यू है ठीक है इसलिए कहा जाता है ना कि पेपर भर दो कम से कम अगर 10-12 पेपर आप भरोगे तो कम से कम आपके दस हजार रुपए लग जाते हैं सिर्फ पेपर भरने में अगर एक पेपर की आठ सौ रुपए फीस है बारह पेपर भरे तो नाइनटी सिक्स हंड्रेड हो गए ठीक है तो 96 पर आप अगर भरोगे तब आपके चांसेस है ना हाँ अगर आप ये सोचोगे कि कई ऐसे भी तो होते हैं पांच साल की योजना भी तो बना के बैठे होते हैं ऐसा तो नहीं है ना साल डेढ़ साल की योजना आपको एग्जाम के लिए बनानी जरूरी है पर पांच साल की योजना पे चलोगे फिर तैयारी नहीं होगी एक तरफ चलो ये जो भी आपके टेस्ट है चलो उसके उसके साथ के बाकी टेस्ट भी देते रहे चले जाओ हाँ जी अब ये जो कंट्री है हमारे जितने भी सारे ये लोन लेते हैं इसको लोन ही कहेंगे ना लोन ले लिया लोन ले लिया सेंट्रल बैंक से और सेंट्रल बैंक ने नए नोट छाप दिए दूसरा कई बार आपके पास अपने और जो है गवर्नमेंट के पास है कि इनके पास अपने कुछ पड़ा है पैसा पड़ा है ट्रेजरी में ट्रेजरी से पैसा निकाला और लगा दिया जैसे सेविंग है ना ट्रेजरी सेविंग में से पैसा निकाल दिया अब अब अपने जनरल पे भी ले लो कि या तो हम बैंक के से लोन ले लेंगे या ठीक है जी पड़ा है कुछ पैसा सेविंग कर रखी थी अब उसी सेविंग से हम ये पिछला खर्चा पूरा तो आगे आने वाला खर्चा पूरा कर रहे हैं दूसरा गवर्नमेंट के हाथ में अब रिजर्व बैंक तो है ही है ना सेंट्रल बैंक तो बहुत सारे हैं किसी से भी लोन तो किसी से भी ले सकते हो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी गवर्नमेंट लोन ले सकती है किसी और से भी ले सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो इसके अपने हाथ में होता है कि ये जो पीछे मनी फ्लोट कराई थी उसके अलावा भी कुछ और मनी फ्लोट करा दे ठीक है अभी हमारे पास देने को भी कुछ नहीं है गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है हमारे पास ये भी कुछ नहीं है ठीक है यह भी कुछ नहीं है तो अब क्या है तो फिर उससे क्या होगा ओवरऑल महंगाई बढ़ती है ओवरऑल पाकिस्तान की अगर आप इकोनॉमी देखोगे इंडिया उसके कंपैरेटिवली बेटर सरवाइव कर गया कोरोना के दौरान बेटर सरवाइव कर गया पर पाकिस्तान में क्या हुआ उन्होंने नोट छाप दिए बेसिकली उनके पास ना तो ये था कि कुछ गोल्ड कुछ सिक्योरिटी रख सकते कुछ ना ये था कि हमारे कुछ सेविंग है इससे ही कुछ खर्चे चले जाएंगे कुछ उन्होंने यहाँ पे जो भी उनका रिजर्व बैंक है जो भी उनका बैंक है उसको कहा अब भाई और तो कुछ नहीं है नोट छाप दो नोट छाप दिए तो उससे खर्चे पूरे होने लग गए पर कीमतों की जो वैल्यू थी जो कीमतें थी वो बढ़ गई ठीक है वो वैल्यूज बढ़ गई अब आपको थो, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया ना ये बेसिकली कर क्या रहे हैं ठीक है अभी इससे पहले अच्छा ये आप अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ लगती आप अपने एक फैमिली मैटर को समझ लो उससे भी आपको इकोनॉमिक्स समझ में आने लग जाती है डेफिशट फाइनेंसिंग जो है ना बेसिकली जब कहा जाता है कि गवर्नमेंट जानबूझ के जानबूझ के अपने आप को डेफिश शो करती है तो डेफिश फाइनेंसिंग शुरू होती है ठीक है जानबूझ के कि खर्चे ही ऐसे ने शो कर दो कि ये करना ये करना ये करना अपने आप होता रहेगा ओके पब्लिक फाइनेंस ये तो हो गया पब्लिक आम जनता साहिल इस बार बजट बैलेंस्ड बजट था सर क्वेश्चन मार्क हाँ जी ये तो आप देखो पढ़ो ठीक है बजट के ऊपर पढ़ो नेक्स्ट टू मंथ में जो पेपर होने वाला जो नेक्स्ट टू मंथ में उसमें बजट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ये समझ लो अगर कोई आपका पेपर है ना तो उसका अगर नेक्स्ट टू मंथ में दो तो उसमें बजट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है अच्छा पब्लिक फाइनेंस का मतलब है ये दो वर्ड से बना हुआ फाइनेंस जो भी अर्थ पब्लिक लोगों से जनरेट करना लोगों से एक तो ये है कि गवर्नमेंट अपनी फैक्ट्री लगाए और उसमें प्रॉफिट जनरेट हो एक तो ये हो गया ना पर अब आपने देखा जितनी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हैं वो सारे के सारी फेल होती चली जाती हैं एक टाइम के बाद गवर्नमेंट बेच देती है ये जितनी भी बीएसएनएल वगैरह फिर उनको इस तरह से कर दिया जाता है तो लोगों के साथ धोखा हो जाता है क्या धोखा हो जाता है वो सोच के बैठे होते हैं कि सरकारी नौकरी है ठीक <laughs> है इस तरह से पर उसका रीजन है जब कंपटीशन होता है तो प्राइवेट सेक्टर काफी आगे चलता है प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफी आगे हार्ड वर्क करता है वो आगे चलता है पब्लिक सेक्टर जो है पीछे चलता है फायदा नहीं होता जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है तब तक नहीं है उसका रीजन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में वो लोग काम ज्यादा ज्यादा कर कर रहे रहे हैं हैं इसका मतलब प्रॉफिट जनरेट पा रहे हैं। सर्वाइवल उनकी बेटर है ठीक तो सरकारी जो है जब तक सरकारी जॉब्स में है ना तो फिर थोड़ा आदमी रिलैक्स हो जाता है किसने कौन निकालना है प्राइवेट सेक्टर में आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि अब अगर कम में अगर नहीं है तो हम बाहर हो जाएंगे पर अब जो सरकारी जितनी भी थी एल का क्या बना जी एल गया सी हो गया इतनी बहुत सारी जो हैं जिनको अब पब्लिक सेक्टर में से मतलब, मतलब उनको प्राइवेटाइज गवर्नमेंट सेक्टर में से निकालने की कोशिश है बाहर करने की वो बाहर जाएंगी अब चलो इसमें पब्लिक फाइनेंस में कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये कौन से टैक्सेस हैं और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस एक तो आपने जितनी इनकम कमाई इनकम आई आपके ऊपर उसके इनकम टैक्स हो गया गिफ्ट टैक्स हो गया आप म्यूनसिपल कमेटी में कुछ टैक्स पे करते हो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स हो गए ये सारे के सारे डायरेक्टली पता लग जाते हैं पर इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आप चावल खरीद के लाए आपको जितने भी चार रुपए के चावल मिले उसमें टैक्स गवर्नमेंट ने पहले ही कट कर दिया था वो टैक्स के साथ है ठीक है आपको पता ही नहीं चला कि मैंने गवर्नमेंट को दिया पर वहां पे आपने गवर्नमेंट को पे किया है ठीक है तो जिसका पता नहीं चलता वो इनडायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है और जो हमें पता चलता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं फिर आता है पब्लिक डेब्ट डेट बी साइलेंट होता है जब बोलते हैं इसमें डेट बोला जाता है बी इसमें साइलेंट होता है तो सरकार को हमने देख लिया कि वो कितना लोन उठा लेती है लोन उठाती है ना अब वो, वो जो लोन है वो सारे का सारा सरकार किसकी है लोगों की है वो लोगों के ऊपर टैक्स है मतलब लोन लोगों के ऊपर डेक्ट है तो जितना भी सरकार ने कर्जा लिया है लोन लिया है चाहे वो बैंक से लिया हो या बिजनेस इंस्टीट्यूशन से लिया गया हो या किस व्यक्तियों से लिया गया हो किसी से भी लिया गया हो वो अल्टीमेटली टैक्स किसके डेट किसके ऊपर है लोगों के ऊपर ही है इसलिए कहा जाता है कि एक आदमी जन्म के साथ ही उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा होता है लाखों रुपए का पर उसको उसको नहीं समझ लगती कि कैसे लाखों रुपए का कर्जा मेरे ऊपर है ठीक है वो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा है लोन है तो वो लोन उन पूरी पॉपुलेशन के ऊपर है ना वो ही जनरेट करके उसको पे बैक करना है ना तो क्या होता है पाकिस्तान के पास या कोई भी कंट्री इंडिया है तो कौन सा बैंक है वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो वहां पे जाते हैं तो वहां पे फिर जी हमने पिछली किश्त की उतारनी है उसके लिए भी टैक्स सॉरी उसके लिए भी लोन मिलता है सो so दैट आप पिछले किस्त को उतार दो ठीक है तो अब वहां पे कैसे है वहां पे कौन बैठा होता है वहां पे तो जी मिस्टर अमेरिका है मिस्टर अमेरिका है तो मिस्टर अमेरिका ने फाइल जो है पास करनी है वो कहता है कितना चाहिए जी आपको जी हमें टू हंड्रेड मिलियन डॉलर चाहिए इतना तो नहीं मिलेगा आपको ज्यादा है नहीं आपको 500 मिलियन डॉलर मिलेगा अच्छा पर हमें तो इतनी जरूरत नहीं है भाई इस तरह सोड़ मिलेगा हम पास करवा के देंगे आपको आप ऐसा करना कि 200 मिलियन दो आपको जरूरत है वो तो आपकी पूरी होगी हो गई ना पूरी अब रह गए 300 हमारे टैंक बने पड़े हैं आप परचेज कर लो <laughs> तो डील होती है जी हमें तो जरूरत नहीं है वो कोई नहीं आप कश्मीर में धमाका करा दो धमाका <laughs> करा दो आपके वहां पे कोई नहीं पूछेगा आप उस दौरान पे एक हमारे साथ हथियारों की डील कर लेना ठीक है डेढ़ सौ दो सौ डॉलर की ए, मिलियन डॉलर की डील हो गई अच्छा जी हो गई अब बाकी बाकी का क्या करना वही वो हमारी कणक भी पड़ी है वो भी उठा लेना आप सौ डॉलर सौ मिलियन डॉलर में जी हमारे तो देश में अपनी पड़ी है अच्छा वही देख लेना उनको समझा लेना जब उनकी भी उठा लेना ठीक <laughs> है रोला करेंगे डालेंगे तो हो गया जी देश की अपनी कणक पड़ी है पर बाहर से कणक जो है परचेज कर ली गई है ऐसा होता है ना यहाँ फिर किसान शोर मचाते हैं और अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हो पा रहा तो कहते हैं उठा लो यार इसको भी उठा लो क्या होगा डबल कणक पड़ी अब गोडाउन में डबल कणक पड़ी है एक कणक जो है वो पड़ी पड़ी दो साल तीन साल में खराब हो जाएगी तो उसको दिया जाएगा कि नुकसान हो गया ठीक है तो वहां से आया तो और अब आपके खाते में आप स्विस बैंक में तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके स्विस बैंक में सीधा हम 50 मिलियन डॉलर से सीधा ही चला जाएगा कोई नहीं पूछेगा वो आपका गिफ्ट है तो जी ठीक है सभी का चल रहा है ठीक है और भारत जो चला गया जब कोई भी कंट्री है वो डेट जो है वो पब्लिक के ऊपर चलता है समझ लगी पब्लिक के ऊपर डेट चलता है इसलिए आपने देखा होगा कि पंजाब में लोग बाहर क्यों जा रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आजकल हिमाचल से जा रहे हैं आजकल हरियाणा से जा रहे हैं राजस्थान से जा रहे हैं लोग क्यों जा रहे हैं पैसा ठीक है जितने पैसे में जितने आठ घंटे में यहां काम करेगा वहां पे इतने जो रुपीज मिलेंगे वहां पे वो डॉलर कमाता है ठीक है तो इसलिए लोग जाते हैं इसको माइग्रेशन कहते हैं माइग्रेशन का एक सीधा सीधा रीजन होता है इकोनॉमिकल रीजन होता है ठीक है और वो दो साल बाद वहां पे क्या करते हैं वो छोटे छोटे काम ही है ब्यूटिशियन का काम है कुछ और है छोटे छोटे काम है सैलरी उनमें मिल जाती है तो वो जब यहाँ पे आते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ के लोगों से बढ़िया होता है ठीक है अगर उसको वहां पे अच्छे से काम कर रहा है मेहनत कर रहा है वहां पे लोग कर भी लेते हैं दस बारह घंटे काम कर लेते हैं लेडीज हैं वो भी दस बारह घंटे काम करती हैं सारा कुछ चल रहा है तो पर उनके फाइनेंशियली अप्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट की वजह से ऊपर चलेगी तो वहां पे भी जो आदमी यहाँ पे काम नहीं ना करता वहां पे वो दिल लगा के काम करता है क्योंकि पैसा लगा के भेजा है ना उसको दिल लगा के काम करता है और जब वो दिल लगा के काम करता है तो इम्प्रूवमेंट होती है तो पब्लिक डेट ये अभी हमने समझा कि लोगों के ऊपर ही जो कर्जा है उसी को कर दिया है इसमें दो तरह के होंगे एक है इंटरनल डेट एक है एक्सटर्नल डेप्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट तो समझ गए इंटरनल जो अंदर से लिया गया मतलब देश में ही कर्जा ले लिया है लोन और एक्सटर्नल जो बाहर दूसरे कंट्री से ले लिया गया है एक लाइन है बड़ी खतरनाक लाइन है पॉवर्टी लाइन ये क्या होती है <laughs> क्या होती है ये भारत में बहुत से लोग इसके गरीबी रेखा से नीचे हैं ठीक है हिमाचल में गरीबी रेखा से लोग थोड़ा हिमाचल का जो ना न है ठीक है बिहार का सबसे नीचे है गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं 1960 और 61 में कहा गया कि जिसकी आमदनी पर मंथ बीस रुपए से कम है वो गरीबी रेखा से नीचे है बीस रुपए से 1968 और 69 में कहा कि फोर्टी रुपीज से कम वाला गरीबी रेखा से नीचे है ठीक है तो अगर आप गरीबी रेखा को नीचे कर दोगे ना तो आपके गरीब लोग कम हो गए वो अमीर बन गए है ना ठीक तो इस तरह से जो एक लिमिट डिसाइड कर ली जाती है कि भाई इससे नीचे के लोग गरीब हैं और इससे ऊपर के लोग अमीर कैटेगरी में आ जाते हैं ठीक है ये ग्रोथ रेट एक दो पॉइंट करके फिर कल करेंगे हम ग्रोथ रेट ये भी आप बहुत सुनते हो ये मैं वो डेफिनेशन से आ रही हैं जिनको आप जनरली न्यूज वगैरह में सुनते हो तो उससे समझ में आने लग जाती है इन ये क्या है तो ग्रोथ रेट क्या है ग्रोथ रेट जनरली जो ओरिजिनल पर कैपिटा इनकम जो भी है कोई स्टैंडर्ड रख लिया और चेंज इन पर कैपिटा इनकम इनटू हंड्रेड मतलब मान लीजिए पिछले साल एक पर कैपिटा इनकम थी पंद्रह हजार रुपए और इस साल थोड़ा सभी ने इंक्रीज कर दिया तो वन थाउजेंड इंक्रीज हो गई तो वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय फिफ्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो इसको कहेंगे इंक्रीज हो गई ठीक है इसको कहेंगे इंक्रीज होगी तो 2.5 परसेंट 1.5 परसेंट 2 परसेंट ये रेट इंडिया में चलता रहता है ठीक है तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आप जरूर न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो बजट वगैरह सुनते हो इन पॉइंट्स को जब आप करोगे इन्हीं पे क्वेश्चन है ये जो जो भी करवाया जा रहा है जो इकोनॉमिक्स अप टू टेंथ के स्टूडेंट टेंथ तक का स्टूडेंट जितना समझ सके उसको हम जनरल अवेयरनेस कहेंगे उसी के लिए इसलिए कि बहुत बड़ी टर्म्स इन हम नहीं लेके चलते ओके थैंक यू थैंक यू, यू स्टूडेंट्स हाँ जी साहिल साहिल कुछ बजट खुद भी देख लिया करो